हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनअकैडमी। सभी बच्चों का आरोहण क्रैक प्लेम्स 2021 के इस एनसीईआरटी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7 मिडाइवल हमारा चल रहा है, मध्यकाल हमारा चल रहा है और इसी में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, मुगल एम्पायर की। लास्ट जो हमारी क्लास थी वह थी दिल्ली सल्तनत को लेकर। कोई भी डाउट अगर आप सभी बच्चों को उसमें रह रहा है तो आप सभी पूछ सकते हैं। इवन पुरानी जो भी हमारी अब तक की क्लासेस हुई हैं, ठीक है, पुरानी अब तक हमारी जो भी क्लासेस हुई हैं और इवन 7th क्लास का चैप्टर 1, 2, 3 जो हुआ है वहां से आप मुझसे प्रश्न जो है बच्चे वह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। एंड बच्चे, आप सभी की जो क्लास है वह 7:30 कर दी गई है। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे हम क्लास को ऑन टाइम स्टार्ट रखें। सो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है बच्चे अनअकैडमी, एंड इससे आप जुड़ सकते हैं, सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको डेली लाइव क्लासेस, पूरा आपका जो सिलेबस है वह कवर कराया जाता है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ जो भी लाइव टेस्ट है, क्विज है, अनलिमिटेड एक्सेस है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती हैं। डेली लाइव क्लासेस जैसे आप सभी एजुकेटर्स की देखते हैं आरोहण पे, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। मान लीजिए पॉलिटी आपको एक टीचर एक एजुकेटर का समझ में नहीं आया, आप किसी दूसरे का देख सकते हैं। इवन पॉलिटी के ही लगभग 300 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर एक बार आपने सब्सक्राइब किया है तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप सारे जो कोर्सेज है वह देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री का है लगभग 323 जो कोर्सेज है वह ऑलरेडी है, एंड अपकमिंग जो हिस्ट्री के कोर्सेज है 15 अपकमिंग है, आने वाले हैं। करंट अफेयर, इकोनॉमी, आंसर राइटिंग कोर्स, सारी चीजें जो यहाँ पर यूट्यूब पर इवन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, ये सारी प्रैक्टिस आपको लर्निंग ऐप पर करनी है। ठीक है, चलिए। सो बच्चे, आपको सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे मिलते हैं, जैसे लाइव स्ट्रक्चर एकदम कोर्सेज मिल जाते हैं, परीक्षा की तैयारी हो जाती है, लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाते हैं अनलिमिटेड, वीकली जो टेस्ट है यह भी होते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप 1 जैसा कि मैंने बताया था आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल तो वैसे भी सभी बच्चे कर लें, क्योंकि मैंने बताया था कि आफ्टर 10 जन मेरी बहुत सारी जो क्लासेस हैं, प्रैक्टिस सेट है, वह आने वाले हैं। ठीक है, प्लस पर लर्निंग ऐप पर बच्चे, तो आपको इसमें देखना है जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहें प्लस पर आपको करना है, देन यूपीएससी सीएससी या वॉट एवर यू जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन करना है। बट सब्सक्रिप्शन आपको इस रेट पर नहीं करना है, यूज माय कोड मंजू 101। ठीक है, कोड अप्लाई करना है सब्सक्रिप्शन चूज करने के बाद, देन आपको गेट सब्सक्रिप्शन करना है, नहीं तो फिर आप इस पर परचेस कर लेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। ऐसे ही ऑप्शनल का है बच्चे, एंड ऐसे ही जीएस का है, एंड ऐसे ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। चलिए, सो अब हम आते हैं हमारे अतीत पार्ट 2। लास्ट हमने बात की थी कि इस मिडाइवल में हम 1000 वर्षों का, लगभग 1000 वर्षों का जो इतिहास है वह पढ़ रहे होते हैं, यानी 750 से लेके 1750 तक का जो इतिहास है इसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी इतिहास के इसी को जानने के क्रम में आज का जो क्लास है ना, ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसा नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इस पीरियड को समझने के लिए कौन सी डायनेस्टी आई, कौन से शासक आए, किस क्रम में उन्होंने रूल किया है, तो ये तीन बातें जो मुख्य रूप से है ये कवर हो गई हमारी। कि जब शुरुआत में नए राजा आते हैं, उनके राज आते हैं, चोलकालीन शासन, फिर उसके बाद कल हमने दिल्ली डायनेस्टी की बात की, किस तरह से जो दिल्ली सल्तनत रही वह रूल में आती है, वह पावर में आती है, और उसमें कौन कौन शासक आते हैं, किस क्रम के बाद आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किए गए, लेकिन क्लास में मैंने सॉल्व नहीं कराए थे, ये भी आप सभी ने देखा होगा, बट वो वन लाइन फैक्ट थे बच्चे, और इतना आप सभी को खुद भी करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी भी जो आपके फ्रेंड्स हैं वह जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर ले। सभी बच्चे शेयर करते रहे वीडियो को। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहे बच्चे, ताकि आपके बाकी भी जो फ्रेंड्स हैं वह सब आ सके। ठीक है, शायद अभी भी कुछ बच्चों को लगता है कि 8:15 ही क्लास स्टार्ट होनी है, इस वजह से क्लास में नहीं आए हैं, कि मैंने आप सभी को ग्रुप में भी रिमाइंड करा दिया था कि क्लास टाइम इज 7:30। चलिए, सो नेक्स्ट हम देखते हैं
मुगल एम्पायर की हम बात करेंगे। ठीक है, देखो जब हम मुगल एम्पायर की बात करेंगे तो इसमें हमें यह पढ़ना होता है कि शुरुआत में जो मुगल है वह कब से शासन करते हैं, मुगल कौन थे, कहां से आए थे, कौन उनके वंशज थे। ठीक है, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। अगर उनका कोई इतिहास था कि उससे पहले भी अगर मुगल के जो वंशज हैं अगर दिल्ली पर कब्जा कर चुके हैं, या फिर और सारी बातें, चंगेज खान की हम बात करेंगे। चंगेज खान की जो कहानी है वह मुगल से जुड़ती है, इनके वंशज थे माता की तरफ से, लेकर ये लोग चंगेज खान की जो संतानें हैं या उनके वंशज है वह कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नरसंहार से काफी सारी यादें इसकी जुड़ी हुई थी। फिर हम देखेंगे कि आखिर मुगल सैन्य अभियान कौन कौन से होते हैं, कैसे शुरुआत में हम जब बाबर की बात करते हैं कि वह इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव रखता है, और उसके बाद एक के बाद एक जो योग्य उत्तराधिकारी शासक हैं, हुमायूं, फिर अकबर, फिर उसके बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे हम औरंगजेब की ही बात कर लें, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, है ना, ये क्रम भी है। ठीक है, ये क्रम भी है, बाबर, हुमायूं, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर उसके बाद औरंगजेब। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे फिर इसके बाद अयोग्य जो उत्तराधिकारी होते हैं उसके चलते फिर ये सिकुड़ने लगता है। तो मुगल साम्राज्य जो पूरे भारत वर्ष पे इतना फैला, ठीक है, जिसने लगभग 200 वर्ष तक रूल किया, क्या इसकी नीतियां थी, कौन सा शासक कब आया कब गया, क्या युद्ध था, क्या उनके काल की प्रमुख घटनाएं थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे चीजें चलती थी, उन सभी पर बच्चे हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो, सो सबसे फर्स्ट आती हूं फर्स्ट पॉइंट पर, जो कि है फ्लो चार्ट। ठीक है, जल्दी से लिखना शुरू कर दो, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, ये आपका चैप्टर नेम। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये जो मुगल हम पढ़ने वाले हैं ये थे कौन। फर्स्ट क्या होगा हमारा कि जो मुगल है वह कौन थे। ठीक है, जो मुगल है बच्चे वह कौन थे, इसे हम जानेंगे। और हम इसमें देखेंगे कि यह दो लोगों के वंशज थे। ठीक है, एक तो मंगोल शासकों से इनका नाम जुड़ता है, और तैमूर के वंशज से इनका नाम जुड़ता है। ठीक है, वंश की हां हम इनकी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो मुगल सैन्य अभियान होते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि मुगल सैन्य अभियान कौन कौन से थे। ठीक है, किस शासक ने, किस मुगल सम्राट ने कौन सा युद्ध किया, कौन से अभियान पर वह गया, इन बातों को हम समझेंगे। थर्ड हमें जो इसमें देखना है, मुगल सम्राट की प्रमुख घटनाएं और अभियान। मुगल काल की प्रमुख घटनाएं, और इन घटनाओं में हम देखेंगे बच्चे एक टेबल के माध्यम से समझेंगे, और हर एक टेबल को हम समझते जाएंगे एक शासक वर्ग के नाम से जोड़ के। जैसे सबसे फर्स्ट कौन आया था, बाबर, जिसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करके मुगल वंश की नींव रखी। थैंक यू। ठीक है, बाबर आएगा, बाबर के बाद फिर हुमायूं। काफी सारे मैंने क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं ताकि आपके प्रैक्टिस भी बच्चे साथ साथ होती रहे। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां और लास्ट में हम देखेंगे औरंगजेब। ठीक है, तो इन शासकों को हमें पढ़ना है मुगल काल की प्रमुख घटनाओं, प्रमुख सैन्य अभियानों में। तीसरा, चौथा इसमें हमें देखना है कि आखिर मुगल काल में
मुगलों में जो उत्तराधिकार होता था उसका क्या तरीका था। ठीक है, हम इस पे देखेंगे कि जो उत्तराधिकार था वह कैसे दिया जाता था, क्या जो जैसे आप महाभारत या रामायण या बाकी शासकों में देखते आए कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसे अपना उत्तराधिकार अपना शासन सौंपा जाता है, हम देखेंगे कि इसमें ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, इसमें जो जीता वही सिकंदर वाली बात थी। ठीक है, सो उत्तराधिकार की मुगल परंपराओं पर हम बात करेंगे, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, मुगलों के किसके साथ संधि, किसके साथ युद्ध, किसके साथ बैर था इनका, अन्य शासकों से कैसे इनके संबंध थे, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जिससे यूपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछती है, पूछ भी चुकी है, क्या है वह, मनसबदारी। ठीक है, हम देखेंगे इसमें मनसबदार और जागीरदार, मनसबदार और जागीरदार। ठीक है, इसे पढ़ेंगे और इसके बाद तीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो है जब्त और जमींदार, जब्त और जमींदारी जो प्रणाली है इस वक्त में कैसी थी। सेकंड हम इसमें देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस भी आता है, कि अकबर की क्या नीतियां थी। ठीक है, अकबर की जो नीतियां हैं वह क्या थी। एंड लास्ट हमें देखना है कि 17वीं शताब्दी आती है और इसके बाद मुगल साम्राज्य ठीक है, तो ये है आज का हमारी क्लास का सारा मेन पॉइंट जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। मुगल एम्पायर में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मुगल कौन थे, कहां से आए थे, किसके वंशज थे, क्या इनकी कहानी थी, प्रमुख घटनाओं में, सैन्य अभियानों में। ठीक है, हम देखते हैं क्रम से सभी शासकों को, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और जैसे हमने कल जाना था कि दिल्ली सल्तनत में बच्चे शासन का और शासक का क्रम पूछता है, वैसे ही कुछ प्रश्न यहां से भी आता है। उत्तराधिकार की हम बात करेंगे कि क्या प्रथा थी, अन्य शासकों से किस तरह के संबंध थे, मनसब से क्या अभिप्राय है, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी इससे पूछ चुकी है। ठीक है, पहले मैं आपका प्रश्न से परिचय कराऊंगी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देन हम आगे चलेंगे। फिर हम देखेंगे जब्त या जमींदारी प्रणाली क्या है, अकबर की नीतियां क्या थी, 17वीं सदी और इसके बाद में जो मुगल साम्राज्य था वह क्या था। अब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, बस यही हमें देखना है। देखो इंपॉर्टेंट यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दूसरा मनसब जागीरदार और तीसरा अकबर की नीतियां। तो आपको जो ये तीन पॉइंट्स यहां पर दिख रहे हैं, तीन स्टार जो मैंने लगाए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके सैन्य अभियान कब थे, किस शासक ने कौन से युद्ध पर वह जाता है। हम देखेंगे दक्षिण की तरफ विस्तार करने के लिए औरंगजेब भागेगा और उसके बाद से ही इनका जो राजकोष है खाली होगा, पैसा नहीं तो नियंत्रण नहीं, जब राजकोष खाली होगा तो जो जमींदार या बाकी सामंत वर्ग है कहीं ना कहीं अपना एक स्वतंत्र उत्तराधिकारी, स्वतंत्र खुद को घोषित करने लगता है और उसके बाद कैसे जो मुगल साम्राज्य है वह कमजोर पड़ने लगता है, इसको भी हम समझेंगे। क्लियर, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। अतुल कुछ नहीं रह गया बच्चे, जो थोड़ा सा रह गया आपका मैं रिवीजन में करा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, जो आपका टॉपिक रह गया, चैप्टर नहीं रहा बच्चे, टॉपिक रहा है। ठीक है, और जो टॉपिक रहा है उसे मैं करा दूंगी, बिल्कुल परेशान ना हो, आपसे ज्यादा सारे टॉपिक सारे क्वेश्चंस मुझे याद रहते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो आप सभी। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बच्चे वीडियो को शेयर भी करते रहे। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं
और आपकी जो क्लास है बच्चे मैक्सिमम 10 रहेगी, अदरवाइज 9:45-9:50 तक फिनिश हो जाएगी। मुगल साम्राज्य, चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एक रीडिंग, देन मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र जहां लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन होता है। आप सभी को पता होगा, ना केवल अभी से वरन शुरुआत से ही, चाहे हम प्राचीन काल की क्यों ना बात कर ले, बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं वह भारत में जन्मी है ना। और यही है कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप पर इतनी विविधताओं के बावजूद आपको शासन करना है तो नो डाउट कठिनाई तो होगी। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। अब देखो, ये ऐसे नहीं आए थे कि नादिर शाह या फिर गजनी की तरह आए, मंदिरों में लूटपाट करके चले गए। इन्होंने यहाँ को, मतलब जिस स्थान पर इन्होंने साम्राज्य किया वहां पर फिर ये रहे, अपना और ज्यादा जो साम्राज्य विस्तार है वह किया। तो बाकी अन्य, अगर हम बात करें कि अरब आक्रमणकारी या फिर बाकी जो शासक वर्ग इस दौरान आते हैं, उसमें और मुगल में क्या फर्क था? तो फर्क था कि ये यहाँ आए तो यही के हो गए, ठीक है। जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था, लेकिन अब, पहले छोटी अवधियों के लिए लोग आते थे, छोटी अवधियों में शासन करते थे यानी कम समय के लिए, अब ये जो है ये स्थिर होकर एकदम थम कर जमकर शासन करेंगे तो लगभग 200 साल तक करेंगे, ठीक है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था और संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि प्रशासन के ढांचा और शासन संबंधी जो विचार लागू किए उसके राज्य के पतन के बाद भी वह टिके रहे। इवन देखो, इनके साम्राज्य में इन्होंने जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जो अब शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी, इनके जाने के बाद भी वह कई सालों तक चलती रही। एक ऐसी राजनीतिक धरोहर जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में और उसके पश्चात आने वाले शासक को अछूता ना रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रोग्राम दो जगह होता है, कभी लाल किला तो कभी इंडिया गेट, है ना, राजपथ। अब सबसे फर्स्ट बात आती है कि आखिर जो मुगल है वह कौन थे, ठीक है, मुगल कौन थे। और प्रश्न कुछ आता है बच्चे इस तरह से, मुगलों के वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपके सामने है दो कथन, 10 सेकंड में जल्दी से इसे रीड करो, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ो। सचिन लैपटॉप मत लो, फोन ले लो, ठीक है, लैपटॉप मत लो बच्चे, फोन ले लो, उससे इजीली देख पाओगे। अमित, आज का जो क्लास का टाइम है, देखो 7:30 था बट 7:40-42 से लगभग स्टार्ट हो गया था क्लास। कोई बात नहीं, सो ठंड है, शायद मॉर्निंग में सभी को उठने में थोड़ा सा कष्ट होता है, पर कोशिश तो आप सभी को करनी है ना, स्टूडेंट की जो लाइफ है आपको कोशिश करनी है जितना अनुशासित रह सके, सुबह से जल्दी उठ सके, सुबह का पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। तो कोशिश करो कि अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉर्निंग में जल्दी से उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ या फिर दिन में सो लो, जो भी आपका टाइम बनाना है। हालांकि सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द बेस्ट वे। चलो बताती हूँ, वंश की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है कि मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान की जो स्मृतियां नरसंहार से जुड़ी थी। और सेकंड हम कहें कि तैमूर वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, क्योंकि 1398 में ही, यानी जब मुगल आते हैं उसके पहले ही 1526 में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उसके पहले ही इनके जो वंशज थे 1398 में ही दिल्ली पर कब्जा करके गए थे। तो ये क्या था, आपसे मैंने पूछा है, दो कथन दिए हैं और मैंने आपसे पूछा कौन से सही है, सो ऑप्शन नंबर सी ऑब्वियसली इज द राइट आंसर, ठीक है, दोनों ही चीजें सही है। तो ये खुद को मंगोल नहीं कहेंगे, ये खुद को तैमूर वंशज कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, नरसंहार से जुड़ी हुई यादें जो चंगेज खान की थी वह पसंद नहीं करते थे, ठीक है, दोनों ही महान वंशों से ये जुड़कर सामने आते हैं। क्लियर, तो सबसे फर्स्ट हम समझेंगे मुगल सैन्य अभियान, मुगल कौन थे हो गया, सैन्य अभियान हम देखेंगे, ठीक है। प्रथम मुगल शासक था कब, बाबर,
1526 से 30 इसने शासन किया, जब 1494 में फरगाना राज्य का इसने उत्तराधिकार प्राप्त किया था तो उस समय इसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जब अकबर आता है तो अकबर केवल 13 वर्ष में बैरम खां के संरक्षण में खुद को सम्राट घोषित कर देता है। अगर आप सभी ने जो मूवी है, ठीक है, अकबर ही शायद नाम है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस मूवी में आप देखिएगा शुरुआत में कि जब वह सैन्य अभियान पर जाता है तो वह किसी और की बातें सुन रहा होता है, अपने निर्णय नहीं ले पा रहा था, तो दैट टाइम वह क्या था, उनके संरक्षण में था, बैरम खां के संरक्षण में। वह 13 वर्ष की उम्र में बन गया था और ये केवल 12 वर्ष की उम्र में ही फरगना का जो उत्तराधिकार है वह इनको मिल गया था। जैसे अगर हम अशोक की बात करें कि अशोक किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था, किस उम्र में बनाया गया था, काफी छोटी उम्र में बनाया था, तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या बताती है कि ये बहुत छोटे समय से ही, बहुत अल्प आयु में ही शासन प्रशासन से जुड़ गए थे। मंगोल की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में इसने काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी है, अब ये पानीपत में हार चुका है और अब यहां से मुगल साम्राज्य की जो नींव है वह रखी गई है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की नींव हम भी रख देते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी जाती है, किसके द्वारा रखी जाती है, बाबर के द्वारा रखी जाती है, कब, 1526, ठीक है, किसको हराकर, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर। लोदी याद करो दिल्ली सल्तनत का आखिरी, दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वाला जो वंश था, सबसे लास्ट वाला जो वंश था वह कौन सा था, लोदी वंश था, है ना। जल्दी से कोई एक बच्चा पूरे दिल्ली सल्तनत के सभी जो वंश थे, जो शासन काल थे, उसका क्रम लिखो। क्लियर है सभी को? चलो, तो ये हमने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। अब एक एक करके हम सबके जो अभियान है वह निपटाते चलते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे किसकी, बाबर के जीवन काल की क्या मुख्य घटनाएं थी जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। बाबर 1526 से 1530, सबसे फर्स्ट तो ये याद रखो 1526 से 1530 बाबर, ठीक है। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को परास्त किया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। तो देखो, समटाइम्स यहां से क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा कि इसके जो युद्ध थे या फिर जो इसके सैन्य अभियान, हम कहें जो बाबर के सैन्य अभियान थे उसका क्रम क्या था, सैन्य अभियान का जो क्रम है वह क्या था, ठीक है, क्रम से क्वेश्चन पूछा है। और फिर उसके बाद अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण ये स्थापित पूरी तरह से कर चुका था, यानी 26 से 30 हम इन चार वर्षों की बात कर, एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी इसने जो अगले 200 साल तक चलने वाला था। और आप सभी को पता होगा 1857 में कैसे जो मुगल बादशाह अंतिम था बहादुर शाह जफर, कैसे उसे अपना नेता घोषित किया था। उसके पीछे कारण यही था कि इनकी सर्वस्वीकारता ऐसी थी कि अगर हमने बहादुर शाह को अपने साथ मिला लिया, ये समझो कि पूरा भारत हमारे साथ हो गया, ठीक है। फिर देखो, अब आता है हुमायूं, 1530 से 40 और 55 से 56, ये बीच की अवधि में कहां था, तो ये बीच की अवधि में इधर उधर भाग रहा था, ठीक है, क्यों भाग रहा था उस पर भी हम बात करते हैं। सो 1530 से 40 रहा, उसके बाद 55 से 56 रहा, इसकी अवधि इसलिए पूछी जाती है क्योंकि बीच में ब्रेक है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया और शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया, एक तो चौसा के युद्ध में 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक है। फिर इसके बाद होता है 1540 में ही कन्नौज का युद्ध होता है और इन दो पराजय के बाद इसे कहां भागना पड़ा, ईरान भागना पड़ा, है ना, ईरान भागा हुमायूं। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया।
40 से 55, लेकिन उसको भी यहां तक आने में फिर से 15 वर्ष लग गए। ईरान चला गया, वहां के सफाविद जो शासक था उसने उसकी मदद की और दोबारा जो हुमायूं है वह फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। और लेकिन क्या होता है कि इसी वर्ष एक दुर्घटना में इमारत गिर जाने से इसकी जो मृत्यु है वह हो जाती है। अब आ जाओ अकबर, जिल्ले इलाही अकबर की बात करते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना, देखो सबसे पहले ही लाइन लिखी है 13 वर्ष की अल्पायु में ही जो अकबर है वह सम्राट बन जाता है। और इसका मेन अगर हम शासनकाल देखें तो 3 अवधियों में इसके शासनकाल को बांटा जाता है। पहला तो था 1556 से 70 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान, ये भी पूछा जाता है कि क्या शुरुआत से ही यह एक स्वतंत्र शासक था, बिल्कुल भी नहीं, बैरम खान के संरक्षण में अकबर शासन कर रहा था। बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया, उसने सूरी और अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़, ठीक है, सिसोदियों की जो राजधानी थी कौन सी, चित्तौड़, और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 से लेकर 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए, अभियानों के पश्चात पूर्व में बिहार बंगाल उड़ीसा के अभियान चलाए और 7980 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में जो विद्रोह हो गए उसे और जटिल कर दिया। तो ये कुछ अभियान दिए हैं, ठीक है, एक बार हमने इसे रीड किया, अब हम इसे क्वेश्चंस के माध्यम से आसानी से समझेंगे। और तीसरा जो काल, तीसरी जो अवधि हम पढ़ते हैं 1585 से लेके 1605 की अवधि, इसके मध्य अकबर के साम्राज्य का जो विस्तार है वह होता है। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को इसमें जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। आप देखो काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया, तो इवन आपको स्पेशली अगर जो शहर के नाम दिख रहे हैं, जिस जगह के नाम दिख रहे हैं, काबुल क्या अकबर के क्षेत्र में शामिल था या नहीं था, बिल्कुल था, ठीक है। दक्कन में अभियानों की शुरुआत होती है, बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों में भी कुछ हिस्सों को भी उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन अंतिम वर्षों में सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम था, ठीक है, अनारकली वाला सलीम, आगे जाके जो क्या कहलाया, जहांगीर कहलाया। चलो आओ अकबर का शासन देखते हैं। अकबर का जो शासन है फ्रेंड्स, देखो वह इतने एरिया में फैला हुआ था, ये जो मानचित्र है ये यह बताता है कि अकबर के टाइम पर मुगल साम्राज्य कितना विस्तृत था, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो देखो काबुल, अगर आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा, काबुल से लेकर बंगाल, दक्षिण में आ जाओ बीजापुर, गोलकुंडा, इसके लास्ट वाली जो विजय रही अकबर के अंतिम समय वाली जो विजय रही, बीजापुर है, गोलकुंडा है, ये सभी, ठीक है। देखो पश्चिम में सिंध, गुजरात, कांधार, काबुल, ठीक है, यहां तक इसका विस्तार था। देखो बीच के कौन कौन से शहर है, जैसे हमने बरार का नाम सुना, अहमदनगर, उड़ीसा, गोंडवाना, इलाहाबाद, रणथंभौर, ठीक है, कुछ का हम क्रम भी देखते हैं, जैसे पटना पर कब, पटना और बंगाल, पी और बी, इन पर आया ये 1574 तक, ठीक है, 1574 तक। बीजापुर और गोलकुंडा की विजय देखो, बीजापुर और गोलकुंडा की जब हम बात करते हैं, ये लगभग 1687 के आसपास की बात है, ठीक है, और मालवा 1561, रणथंभौर 1569 1568, चित्तौड़, गुजरात 1572, कुछ मुख्य राज्यों का रणथंभौर, ठीक है, मालवा, चित्तौड़, गुजरात, यानी अकबर के समय तक ये जो प्रदेश है वह विजित हो चुके थे, कुछ को इससे मिलाया, इस वजह से आपको जो सन है आगे पीछे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये अकबर के शासन समय की, शासनकाल की कुछ गतिविधियां थी, 1605 तक का जो अकबर का शासन था, उसके बाद खानदेश, अहमदनगर तक के जो हिस्से हैं वह मिल चुके थे मुगल साम्राज्य में, ठीक है। और उसके बाद जो हमने देखे वह जहांगीर, और फिर आगे जहांगीर के बाद हम देखेंगे शाहजहां और औरंगजेब के द्वारा अपने साम्राज्य में मिलाए गए, ठीक है। जहांगीर को पढ़े, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी बच्चों से पूछती हूं।
प्रथम मुगल शासक बाबर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर कीजिए जल्दी से। हाँ ममता, सही बताया आपने। दिल्ली के शासकों का क्रम ममता कुशवाहा, वेरी गुड। तोमर, चौहान, तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोदी, और लोदी के बाद जब बाबर आ गया तो फिर मुगल साम्राज्य होगा, है ना। प्रवीण आपने भी सही बताया था, वेरी गुड। प्रवीण ने भी एंड भीम आपने भी, वेरी गुड। सभी बच्चों के लिए ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर डी, कुछ को ए भी लगता है। तो जिन्हें ए लगता है सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगी। बाबर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार। मैंने आप सभी को बताया था कि केवल 12 वर्ष की उम्र में इसने फरगाना राज्य का उत्तराधिकार लिया था। अब आपको यही फर्क मिलता है बच्चे नोट्स में और बाकी सब लिखा हुआ में, कि आपको मैंने वहां बता दिया कि 12 वर्ष की आयु थी और जो फरगाना था वह क्या था, इसके उत्तराधिकार में आ गया था। फिर हमने देखा था कि आगे जाकर ही काबुल पर कब्जा करता है और 1526 के आसपास जब इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का युद्ध होता है तो दिल्ली और आगरा को भी अपने कब्जे में ले लेता है और उसके बाद से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आंसर है। जिन बच्चों को ए लग रहा है, बच्चे सेकंड भी जो है वह सही है। 1504 में ठीक है काबुल पर कब्जा किया था। भारत में तो उस वक्त पूरी तरह से पैठ नहीं बनाया ठीक है, लेकिन 1504 में काबुल जो है उस पर कब्जा ये कर चुका था। उसके बाद से जब खिसकते खिसकते आया है ये दिल्ली तक ठीक है, और उसके बाद से जो उसने दिल्ली आगरा पर कब्जा किया तो वो समय था 1526 का। 1526 का वह समय था, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखो, आप सभी के सामने एक ऐसा क्वेश्चन है यूपीएससी, इसमें से शुरुआत के जो दो फैक्ट है वह पूछ चुकी है कि बारूद का जो आविष्कार है वह किस सदी में हुआ, इसका प्रयोग कब हुआ, किस लड़ाई में हुआ। ये सारे फैक्ट बच्चे आपके एनसीईआरटी से बहुत इजीली कवर हो जाते हैं ठीक है। सो देखो, तीन कथन है। युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में 16वीं सदी में बाबर के द्वारा प्रयोग हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी रूप से युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल हुआ ठीक है। बताइए जरा, क्या होगा इसमें सही आंसर। मैंने आपसे पूछा है कूट, सही आंसर बताना बच्चे आपको कि सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कीजिए ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर जो डी है वह ज्यादा सही आंसर है। ठीक है, मोस्टली बच्चों को ऑप्शन नंबर डी लगता है। चलो आओ आपका आंसर चेक करते हैं। अगर हम बारूद की तकनीक की बात करें तो 14 में आती है ठीक है, 16 में इसका यूज ठीक से शुरू होता है और सबसे फर्स्ट जो गुजरात, मालवा थे ठीक है, दक्कन जैसे प्रदेश थे, इसका प्रयोग हुआ इन क्षेत्रों में। और उसके बाद भी आपको ये याद रखना है कि अगर हम प्रभावी रूप से बात करते हैं, प्रभावी रूप से अगर हम कहें तो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी ना उसमें फर्स्ट टाइम युद्ध में तोप का और साथ ही जो गोलाबारी है इसका प्रभावी रूप से इस्तेमाल हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के प्रमुख अभियानों को पहले से बात के क्रम में जमाएं। बाबर के प्रमुख अभियानों को पहले से बात के क्रम में आपको जमाना है, पानीपत की लड़ाई, खानवा युद्ध और चंदेरी का युद्ध। और इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, मुगल अभियानों से, मुगल साम्राज्य से जो क्वेश्चन है बच्चे पूछा जाता है ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो तीन शब्द बारूद के बारे में क्या याद रखना है, 14, 16 और पानीपत, 14, 16 पानीपत, तीन बातें याद रखनी है। कीवर्ड से देखो हम बहुत बड़ी बड़ी और ऐसी कठिन चीजें हैं जो आपको याद नहीं होती, वो आप कीवर्ड से बच्चे याद रख सकते हैं। बाबर के प्रमुख अभियानों को पहले से बात के क्रम में पानीपत, खानवा, चंदेरी, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका क्रम। अगर मैं पानीपत का आपको बताऊं समय, पानीपत, खानवा और चंदेरी का, कहां से शुरू होता है ये, 1526 से, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28। सो क्रम क्या बनता है, मैंने पूछा है आपसे पहले का बाद का क्रम। सो ऑप्शन नंबर सी जो मोस्टली बच्चों को लगता है, आंसर क्या है इसका, 1, 2 और 3। ठीक है, प्रश्न कहीं और से नहीं पूछा जाता बच्चे, प्रश्न पूछा जाता है यही जो आप सब पढ़ रहे हैं चीजें, बट ये है कि आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस मुझे पर्सनली भी आते हैं, मैसेज पर्सनली भी आते हैं कि मैम, लेकिन पॉसिबल नहीं होता इतनी ज्यादा संख्या में आप सभी बच्चे मैसेज करते हैं, पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, जो मेन क्वेश्चन मैंने देख लिया कि दो से तीन दिन तक अगर मान लीजिए काफी सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, तो उस क्वेश्चन को फिर मैं आपके साथ लाइव क्लास में जरूर डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, ये है डेफिनेटली कि मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर आपको कोई आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं जरूर उसको कवर करूंगी। अगला प्रश्न है, पढ़िए इसको जरा, हाँ सचिन बहुत सही ट्रिक है आपकी कि जो चंदेरी की बात की थी उसके बाद आप घाघरा का जो युद्ध है वह भी बाबर के द्वारा किया, तो इन्होंने क्या ट्रिक बनाई, काफी फनी है, सचिन कुमार के द्वारा एक ट्रिक बनाई है बच्चे बाबर के लिए, इनका ट्रिक है पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो और घर चले जाओ। अच्छा सो ठीक है, आप इन चार युद्धों को ऐसे याद रख लीजिए, नो इशू, आपको जिस तरीके से बच्चे याद होता हो। सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है अंजलि, इट्स अ लाइव क्लास। ठीक है चलो, शेर खान के द्वारा किस मुगल शासक को 2 बार चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराया और उसे ईरान भागने पर मजबूर किया। अच्छा ये बताओ कि हमने किस शासन के बारे में, किस शासक के बारे में दो अवधियों की बात की थी कि वह 1530 और 40 में था और उसके बाद फिर 55 में आया। हमने बात की थी एक शासक की जो 1530 और 40 में रहा और उसके बाद फिर किसी के द्वारा उसे जब खदेड़ा गया तो फिर वह 1555 में लौट कर आता है, फिर से दिल्ली पर काबिज होता है और वह इंसान कोई और नहीं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है हुमायूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे इसका सही आंसर, हुमायूं। चलो अब हम बात करेंगे जहांगीर की। 1605 से लेके 1627 जहांगीर का जो शासन काल है, क्रम है, वह क्या है, जहांगीर का 1605 से लेके 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के ससोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा को स्वीकार किया। इसके बाद सिखों, अहोम, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, इसने विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को फांसी पर धकेलने के प्रयास किए लेकिन वह असफल रहे। अच्छा ये चीज देखो कि अगर हम खुर्रम की बात करें या फिर हम सलीम की बात करें, इसने भी तो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था ना। अकबर की बात करें या जहांगीर की बात करें तो बाद में ये अपने ही पुत्रों के द्वारा परेशान हो गए। और आप सभी को शाहजहां का भी पता होगा कि शाहजहां का जो पुत्र आता है उसके बाद वह क्या करता है, उन्हें ताजमहल के सामने ही एक किले पर बंदी बना देता है, उन्हें उसमें रख देता है कि बस यहीं से बैठ के अब जो ताजमहल है उसे देखो। अगर आप सभी ताजमहल जाएंगे तो आप देखेंगे उस सीट को जहां पर उसे बंदी बनाया गया था, ठीक है, और वो वहीं पर बैठे बैठे जो ताजमहल है शाहजहां वह देखा करता था। तो लास्ट लास्ट में इनकी जो लास्ट दुर्दशा है वह कोई
बहुत अच्छी नहीं थी। फिर हम बात करेंगे इसके बाद शाहजहां के, जागीर हो गया शाहजहां, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, अफगान अभिजात। देखो अगर मोस्टली दक्कन में गए बाद के शासक तो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि पहले ही ये बाकी के जो उत्तरी इलाका है, पूर्वी और पश्चिम इलाका है, उस पर फतह हासिल कर चुके हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं दक्कन की तो दक्कन का विस्तार रह गया था और उसके बाद दक्कन में शाहजहां के जो अभियान है वह भी जारी रहेंगे। और हम इसके बाद देखेंगे कि शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आता है वह भी अभियानों को अपने जारी रखता है और दक्कन के अभियान में ही वह सेना से और राजस्व से टूट जाता है। ठीक है, अफगान अभिजात खानजहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हो गई, ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। और आप सभी का क्या होमवर्क है इस असफलता के बाद कि पूरा ये जो मैंने बाबर के अभियान की ये लिस्ट मैंने दी है बच्चे, ये जो बॉक्सेस है पिछली चार स्लाइड्स में और है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको ये चीज रट लेनी है। ठीक है, याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं। और परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और इसमें औरंगजेब की विजय होती है। दारा शिकोह समेत उसके तीन भाइयों को उसने मौत के घाट उतारा और शाहजहां की शेष जिंदगी के लिए उसने कहा आगरा के ही एक किले में उसे कैद कर दिया। तो इसमें हमने जाना कि शाहजहां के बाद इसके जो पुत्र है उसमें उत्तराधिकार की जो लड़ाई होती है और उसी के चलते वह दारा शिकोह और अपने बाकी भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठ जाता है, शाहजहां को बंदी बना देता है। ठीक है, तो ये आ गए हम शाहजहां तक। अब लास्ट में बचते हैं औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब को पढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ बच्चे आप भी जुड़े होंगे तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ये हमारा आज का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुगल एम्पायर में मुगल कौन थे ये हमने जान लिया, सैन्य अभियानों की सूची हमने जानी, मुगल काल के प्रमुख घटनाएं हमने जानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से अभियान होते हैं। ठीक है, अब हमें आगे बात करनी है उत्तराधिकार की, अन्य शासकों के साथ संबंधों की, मनसबदार जागीरदार की, उसके बाद हम देखेंगे जब्त और जमींदार, फिर हम बात करेंगे अकबर की नीतियों की और 17वीं सदी और इसके बाद का मुगल साम्राज्य। और देखो जो मैंने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है अकबर की नीतियों में, मनसबदार में और मुगल काल के प्रमुख घटनाओं में, यहाँ से जो क्वेश्चन है वह रिपीट हुए हैं। मनसब से लेके अकबर की नीतियां जो है बच्चे ये मेंस में भी पूछी गई है। क्लियर, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, कंटिन्यू रहा करो। एंड बच्चे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 7:30 आप सभी के सामने प्रकट हो जाऊं। ठीक है, हाँ हाँ अमरोस्ट, बिल्कुल सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट मिलेगा। और लेकिन अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चूंकि मैं प्रोवाइड कराती हूँ, ये जो रिटर्न वर्क है ना इसका भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराती हूँ बच्चे, तो वो आप ले सकते हैं एनसीईआरटी विद मंजू मैम टेलीग्राम ग्रुप से। क्लियर है, चलो अब आगे मैं बताती हूँ। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा रख दी गई है और उस नींव रखने के बाद, उस नींव को बच्चे रख देने के बाद क्या क्या घटनाएं हुई उन्हें समझो। तो मुगल सैन्य अभियान सबसे पहले हमने देखे बाबर के, एक बार फ्लोचार्ट बना दूं, आप सभी जल्दी बुरा मान जाते हैं नहीं तो कि मैम ने फ्लोचार्ट नहीं बनाया। मुगल सैन्य अभियान, ठीक है, और इस सैन्य अभियान में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह किसकी करेंगे बच्चे, बाबर की करेंगे। ठीक है, सभी को पता है कि जो बाबर है संस्थापक था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हराकर स्थापना की 1494 में, फरगना का जब उत्तराधिकार इसे मिलता है फरगाना का, तब इसकी जो एज है वह कितनी थी, कितनी थी इसकी एज, 12 वर्ष थी। ठीक है, एज थी इसकी 12। फिर 1504 में काबुल पर कब्जा करता है, 1504 में काबुल पर कब्जा करता है और 1526 पानीपत, इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है,
1526 में पानीपत इब्राहिम लोदी को हराया और उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो नींव है वह रख दी। फिर इसके बाद हमने जाना था बारूद की तकनीक को, जहां से क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी तकनीक कब आती है भारत में, कब वह उसका सफल प्रयोग होता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी तकनीकें आपको बच्चे साइड बॉक्स में मिलती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें आपको छोड़ना नहीं है। बारूद की तकनीक का अगर हम देखें, सबसे फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस होता है कब, 14वीं सदी में इसका इंट्रोड्यूस होता है। और कहां पर इसका सबसे फर्स्ट प्रयोग हुआ, गुजरात, मालवा और दक्कन में। गुजरात, मालवा, दक्कन में प्रयोग हुआ, ठीक है। 16वीं सदी में इंट्रोडक्शन केवल हुआ था, लेकिन 14वीं में, 16वीं सदी में बाबर ने इसका प्रयोग किया। बाबर ने क्यों प्रयोग किया, बाबर के द्वारा प्रयोग में लाई गई क्योंकि पानीपत के युद्ध में फर्स्ट टाइम औपचारिक रूप से इसका जो इंट्रोडक्शन है वह होता है। पहली बार पानीपत जो युद्ध था, पानीपत युद्ध में तोप और गोलाबारी इसका यूज हुआ, तोप और गोलाबारी का जो यूज है वह होता है। क्लियर, यहां तक बारूद की तकनीक को भी याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि मनसबदार और जागीरदार क्या थे, इस पर हम आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है मुगल साम्राज्य का। मुगल जब आप एम्पायर पढ़ते हैं तो उसमें आपको मनसबदारी जो व्यवस्था है वह बहुत अच्छे से पढ़नी होती है, उस पर ही हम नेक्स्ट आते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मनसब समझा देती हूं। अच्छा, जो भी आप सभी को बच्चे प्रॉब्लम है ना, कि मान लीजिए टाइम को लेके कोई प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी आप सभी की जो समस्या है वह सॉल्व होने वाली है, ठीक है। और आप सभी को मेरी 1 से 2 क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, सारी चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा वेट करो, केवल 10 जनवरी के बाद तक, आज 7 तारीख हो गई ना, आज है 7 जन, है ना, 7 तारीख हो गई, आप हैप्पी न्यू ईयर फिर से मना लो। 7 दिन बीत चुके हैं, पहला हफ्ता सप्ताह हो चुका है न्यू ईयर का। तो अब आप सभी को ये देखना है कि जो भी आपने अपने लक्ष्य रखे थे कि मैं इस साल क्या करूंगा या क्या करूंगी, उसे थोड़ा सा आप मेंटेन रखेंगे। सभी बच्चे 7:30 पर हुआ करेगी क्लास में। ममता, अभी बच्चे कुछ दिन की सिर्फ बात है, शायद ये दिन सिर्फ 5 या 6 दिन या 4 या 5 दिन भी हो सकते हैं, बहुत जल्दी आप सभी को। लेकिन जो भी टाइम होगा ना, मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगी, रिमाइंड करा दूंगी आप सभी को। चलो, सो आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, अभी चैट मत करना, अब अगले 5 मिनट जब तक कि मैं आपको मनसब समझा रही हूं, ठीक है। मनसबदार की हम बात करेंगे बच्चे, मनसबदार और जागीरदार, मनसबदार और जागीरदार। बहुत जल्द सारी क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। जो डायरी आपका बचा हुआ है पिछला, उसे 2021 करके हम बच्चे 21 में पढ़ेंगे, 2021 वाली डायरी। बहुत जल्द आपकी वार्षिकी भी खत्म कराऊंगी, मनोरमा, पैनोरमा, जो भी आप करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ बाइलिंगुअल रहेगा। इंडिया ईयर बुक जैसे ही आ जाएगी, सबसे फर्स्ट हम उसे कवर करेंगे, ठीक है। मनसबदार और जागीरदार की जब हम बात करते हैं तो देखो, शुरुआत कहां से होती है, ये था क्या, प्रशासन में था। मनसबदार जागीरदार क्या था, एक तरह से प्रशासन का एक हिस्सा था। तो शुरुआत इसकी ऐसे होती है कि मुगलों के द्वारा सामाजिक समूहों के जो सदस्य हैं, जो समाज में जो सामाजिक समूह है ना, उनके जो सदस्य हैं, सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करने लगे, सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करने लगे, प्रशासन में नियुक्त करने लगे, ठीक है। शुरुआत यहां से होती है मनसब की,
बाकी लोगों को उसमें क्या करने लगे, एक तरह से भागीदारी होने लगी। जैसे हम आज बात करते हैं कि गुड गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण जो टूल है वह क्या है कि लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, है ना, लोगों की भागीदारी जो है वह होनी चाहिए। अब देखो प्रारंभ में तो ये जो सामाजिक समूह की भागीदारी हो रही थी ना, तो प्रारंभ में इन्होंने अपने वंश को महत्ता दी। प्रारंभ में तो तुर्की सरदार ही थे, ठीक है, मैं ठीक है, प्रारंभ में तुर्की सरदार का समूह था, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ, बाकी जो समूह हैं, कुछ समय बाद बाकी समूहों को भी इसमें शामिल किया। बाकी समूह जैसे सभी मराठा सरदार भी इसमें आए, हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है, जो भारतीय हिंदू थे, भारतीय मुसलमान थे, ठीक है, भारतीय मुस्लिम सभी समूह, मराठा सरदार, ये सब इसमें आ गए थे इनके मनसब में। सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू किया। फिर प्रारंभ में तो देखो तुर्की सरदार थे, लेकिन बाद में सभी समूहों को इसमें शामिल किया गया। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मनसब में केवल मुगलों ने केवल मुसलमान को नियुक्त किया, उसमें कोई भी हिंदू शासक नहीं था, ये बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है, ये बहुत बड़ा बच्चे झूठ है, याद रखिएगा। अब देखो, अब हम इसमें मनसब का अर्थ देखें, आप की व्यवस्था को तो बच्चे समझ गए, लेकिन जो मनसब है इसका अर्थ क्या है उसे देखो। सबसे फर्स्ट, जब हम बात करते हैं मनसब की, मनसब का अर्थ होता है, या इसका आशय हम कहें, मनसब का अर्थ है आशय, सरकारी हैसियत। सरकारी हैसियत रखने वाला व्यक्ति मनसब है, सरकारी हैसियत या एक तरह का पद था मनसब, ठीक है, और जो ये पद रखता था ना उसे क्या मिलता था, वेतन भी मिलता था, ठीक है, पद भी मिलता था, और साथ ही साथ में सैन्य उत्तरदायित्व भी मिलता था, साथ साथ में उसे सैन्य उत्तरदायित्व भी मिलता था कि अगर राजा को आवश्यकता होगी तो आप क्या करोगे, सेना राजा को दोगे, ठीक है, सैन्य उत्तरदायित्व भी मिलता था। तो ये था मनसब में क्या क्या शामिल था, मनसब, सरकारी हैसियत, एक पद हम कहें, सरकारी हैसियत या पद, ठीक है, और इसमें वेतन और ये सब चीजें जो है बच्चे वह शामिल हुआ करती थी, सारी चीजें, वेतन भी, पद भी, सैन्य उत्तरदायित्व भी। अब देखो मनसब में दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो होती है जब्त, कुछ टर्मिनोलॉजी से भी परिचित हो जाओ, मनसब में ही आती है एक जब्त प्रणाली, या जब्त शब्द क्या है, जब्त की अगर हम बात करें, यह वह भूमि होती थी जिससे राजस्व एकत्रित किया जाता था। जब्त का मतलब क्या था, राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि, जब्त मतलब राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि, ठीक है। अब याद करो राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के बारे में हमने दिल्ली सल्तनत में भी हम बात कर रहे थे, जिसमें हम एकता और मुक्ति की बात कर रहे थे, एकता व्यवस्था और मुक्ति की बात कर रहे थे, याद है आप सभी को, है ना, कि एकता क्या था, वहां पर जो इलाका दिया जाता था जो सेना नायकों को कि आप यहां से राजस्व इकट्ठा करो, आप टैक्स यहां से कलेक्ट करो, तो वह जो व्यवस्था है उसे हमने एकता व्यवस्था कहा था, और जो कलेक्ट करने वाला जो अधिकारी था उसे हमने मुक्ति कहा था। तो जब्त की जो व्यवस्था है इसकी अगर हम तुलना किससे करें, जब्त वर्सेस एकता, ध्यान रखना ये शॉर्ट नोट्स भी तभी बच्चे आपके काम के हैं जब आप क्लास देख रहे हों, अगर आप क्लास ना देखें तो आपके ये शॉर्ट नोट्स सम टाइम आपको समझ में नहीं आएंगे। पहले मैंने आपको समझा दिया जब्त का मतलब क्या, फिर मैंने आपको याद दिला दिया दिल्ली सल्तनत कि उसमें एकता व्यवस्था थी, और अब मैंने यहां आपको बता दिया कि जब्त वर्सेज एकता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अंतर था कि जो जब्त करने वाले अधिकारी होते थे जब्त व्यवस्था में, वे उस गांव में नहीं रहते थे जहां से वह टैक्स कलेक्ट करते थे, बट जब हम बात करेंगे एकता की तो एकता के अधिकारी कौन कहलाते थे, मुक्ति, मुक्ति अधिकारी थे। एकता क्या था, उनका खेत, उनकी जगह जहां से राजस्व कलेक्ट करते थे, लेकिन मुक्ति में और इनमें अंतर यह था कि मुक्ति उसी गांव में रहते थे जहां से वह, उसी जगह पर रहते थे जहां से वह राजस्व इकट्ठा करते थे, बट जो जब्त करने वाले अधिकारी थे वे वहां नहीं रहते थे, केवल टैक्स कलेक्ट करने जाते थे। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है कि जब्त जो है
किसका था? नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, ये जब्त भूमि किसकी होती थी? मनसबदारों की, ठीक है, मनसबदारों की होती थी। और मनसबदार वर्सेस अगर हम एकता कहें, ठीक है, एकता व्यवस्था याद रखो बच्चे, मनसबदार याद रखना, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं करना है, पुराना याद करते जाना है। जैसे अगर मैं आज आपको मुगल पढ़ा रही हूँ और कल जब मैं आपको बाकी चीजें पढ़ाऊंगी तो आपको पिछले जो 3 चैप्टर्स है उसे जरूर रिवाइज करना है, रिवीजन का बहुत महत्व है, ठीक है। सो एकता व्यवस्था में क्या था, मनसबदार जो है वह जागीर पर नहीं रहते थे, जब्त भूमि होती थी उसी को जागीर कहते थे और इन्हीं जागीरों को आगे जाके जागीरदार कहने लगे, ठीक है। ये जागीर पर नहीं रहते थे लेकिन जो एकता है ये क्या कहते थे, अपनी जागीर पर रहते थे, मुक्ति एकता पर ही रहते थे, ठीक है। अब देखो अकबर के शासनकाल में क्या परिवर्तन आया, प्रश्न आता है कि मनसबदारी व्यवस्था में अकबर के शासनकाल में क्या परिवर्तन आया। अकबर के शासनकाल में बच्चे ये परिवर्तन आया कि उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक जो मनसबदारी व्यवस्था थी, जो लोगों को पद दिया जाता था, जो उन्हें सैन्य उत्तरदायित्व और जो वेतन दिया जाता था उसका सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया, उसके लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए। तो अगला पॉइंट क्या है आपका मनसबदारी में, अकबर द्वारा क्या परिवर्तन किया, है ना, अकबर द्वारा क्या परिवर्तन किया गया मनसबदारी में, ये देखते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जानो कि इसने क्या किया, मनसबदार जागीरदार, मनसबदार जागीरदारों की जो जागीरें थी ना उसका क्या कराया, आकलन कराया, उसका आकलन कराया। और वहीं जब हम बात करते हैं अकबर के बाद औरंगजेब की, तो देखो औरंगजेब क्या करेगा, ठीक है, जब हम बात करें किसकी, औरंगजेब की, तो देखो औरंगजेब के द्वारा मनसबों का जो वेतन है वह कम कराया जाएगा। अब देखना चैन कैसे बनेगी और कैसे किसान गरीब होंगे, इसको ध्यान रखना, मनसबों का जो वेतन है वह कम किया, ठीक है, जागीर की जो संख्या है वह कम कर दी, जागीर यानी दी जाने वाली जो भूमि है, मान लीजिए पहले 10 खेत मिलते थे अब 5 ही मिलते हैं, 5 ही गांव मिल रहे हैं, तो जागीर की जो संख्या है वह क्या कर दी बच्चे, कम कर दी। राजस्व जो वसूलने का जो तरीका है इनका है, जैसे ही जागीर की संख्या कम होगी तो राजस्व कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और जब राजस्व कम हुआ इन्होंने किसान को परेशान किया कि आप हमें राजस्व दो, तो ऐसे जो किसान है वह मुसीबत में आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब ने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि औरंगजेब ने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि औरंगजेब जो दक्कन अभियान पर जा रहा था और जब उसके बाद पैसे की पावर की कमी होने लगती है तो फिर वह इस तरह के जो प्रतिबंध हैं वह बाकियों पर लगाने लगता है। तो बच्चे ये था हमारा मनसब, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपका मनसब से आएगा वह यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, बशर्ते आपने चीजों को समझा भी हो। तो मनसबदार और जागीरदार, जागीरदार यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंडर में जागीर हो, जागीरें हो यानी ऐसी भूमि जिससे वह राजस्व इकट्ठा करता हो, ठीक है, तो जागीरों का मालिक कौन होगा, जागीरदार होगा। तो मनसबदार शुरुआत होती है प्रशासन में नियुक्त करने लगते हैं, प्रारंभ में तुर्की सरदार लेकिन बाद में सभी समूह इसमें शामिल हो गए। फिर जब हम मनसब की बात करते हैं तो मनसब यानी एक ऐसा पद जिसमें वेतन हो, सैन्य उत्तरदायित्व हो, सरकारी हैसियत है। जब्त की जब हम बात करेंगे, जब्त यानी एक ऐसी भूमि जिससे आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हो, मनसबदारों की हुआ करती थी ये जब्त, जागीरदारों की। और वर्सेस अगर एकता हम पढ़े तो एकता में जागीरों पर ही जो मुक्ति है वह राह करते थे पर मनसब जागीरों में नहीं रहते थे। फिर हमने बात की कि जब अकबर आता है तो परिवर्तन होता है, ये आकलन करता है, सर्वेक्षण करता है कि क्या जिन्हें मनसब, मान लीजिए 400 जात का किसी को अगर मनसब बनाया, 5000 सैन्य उत्तरदायित्व दिया घोड़े का, तो फिर ये सब उसका फिर से सर्वेक्षण करो, फिर से चीजें सही करो, ये था। फिर औरंगजेब आता है और इसने सारी चीजों को कम करता चला गया, वेतन कम, संख्या कम, सो राजस्व कम, और ऐसे किसानों पर जो मुसीबत है वह पड़ जाती है। तो ये था हमारा मनसब। आई थिंक सभी बच्चे, अगर अब बच्चे मनसबदारी पर लिखने के लिए आप सभी को आता है
चाहे टिप्पणी करने के लिए आ जाए, चाहे ये आ जाए कि अकबर ने क्या परिवर्तन किया, अकबर में पूछ रहे तो आपको लिखना तो वहीं से है ना कि आप समझाओगे तो यही कि शुरुआत जो होती है मनसब की वह कहां से होती है और जिसका अंत है वह कहां से होता है, कैसे किसानों के लिए फिर मनसब मुसीबत बन जाता है। तो यहां से औरंगजेब की चर्चा करनी है, बीच की कड़ी पूछे तब भी शुरुआत यहीं से करनी है मनसब में, और अगर शुरुआत से पूछे तब भी खत्म आपको औरंगजेब का ही करना है। कोई भी नीति अगर आप लिख रहे हैं किसी भी शासन प्रशासन किसी भी शासक वर्ग की, तो उसके जो विभिन्न उत्तराधिकारी आते हैं वह कब चेंज करते हैं, उस नीति में क्या चेंज करते हैं, ये जरूर उसको आपको उसमें मेंशन करना ही होता है। क्लियर है सभी को? ये बताओ सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, सो आपको मनसबदारी शायद बच्चे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम जब्त की बात करें, जब्त जमींदार, खैर वो आगे बात करते हैं, पहले हम थोड़ा सा पढ़ ले और आप सभी से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ ले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, सैन्य अभियान की हमने बात कर ली, चलो अब जल्दी से थोड़ी सी मैं आपको रीडिंग करके ये बता देती हूं, ये मैं क्वेश्चन के रूप में पूछने छोड़ पढ़ाती नहीं हूं, ये यहां बताओ। सहदायद और मनसबदार क्रमशः क्या थे, याद रखना एक वच है क्रमशः, सहदायद और मनसबदार क्या थे ये बताओ जरा, प्रशासन की नीति कर की नीति या फिर बाकी सारी चीजें। क्लियर है? नोट भी कर लिए, वेरी गुड कीर्ति। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी, आओ देखते हैं। अगर हम सहदायत की बात करें और मनसबदार की बात करें, मैंने आपसे पूछा क्रमशः क्या थे, अच्छा ये बताओ। देखो सहदायत का मतलब क्या होता है, इसमें मैं आपको पैराग्राफ में भी ये पढ़ के समझा सकती थी, लेकिन क्वेश्चन में ही कवर हो रहा है तो उतना पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो सहदायत की अगर हम बात करें तो मुगलों में होती थी एक उत्तराधिकार की परंपरा, ठीक है, और इस उत्तराधिकार की परंपरा के अंतर्गत क्या किया जाता था, जैसे बाकी उस परंपरा के ये विपरीत थी जिसमें जिस पुत्र को उत्तराधिकार दिया जाता है, इसमें क्या किया जाता था कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी उत्तराधिकार है उनके बीच में समान विभाजन किया जाता था, उत्तराधिकारों के बीच में जो उत्तराधिकारी हैं उत्तराधिकार के बीच में समान विभाजन, ठीक है, समान रूप से विभाजन, ये था सहदायत। टर्मिनोलॉजी से क्लियर होना बहुत जरूरी है। और मनसबदार क्या था, सरकारी हैसियत या पद, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि इसमें वेतन भी था, सैन्य उत्तरदायित्व भी था, क्या था, वेतन भी था और सेना का उत्तरदायित्व भी था। तो मैंने आपसे पूछा क्रमशः, तो बताओ उत्तराधिकार का विभाजन ऑप्शन सी और सरकारी हैसियत है ना, यानी मनसब, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चे, इसका सही आंसर होगा, वेरी गुड। चलो अब अगला प्रश्न बताओ, मनसबदारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार, ऑप्शन वन एंड टू। प्रारंभ में मुगल प्रशासन में ज्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन बाद में ईरानी, भारतीय मुसलमान, राजपूत, मराठा सभी को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले वित्तीय अधिकारी मनसब कहलाए, मुगलों की सेवा में आने वाले वित्तीय अधिकारी मनसब कहलाए, गलत कूट चुनिए। करो
काफी सारे बच्चों को ए लगता है, बी भी लगता है ना। चलो मैं बताती हूँ। फर्स्ट देखो, जब हम मनसबदारों के विषय बात करते हैं, इसमें मैंने क्या लिखा, प्रारंभ में मुगल प्रशासन में ज्यादातर सरदार तुर्की थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशासन में लोगों को शामिल किया जाने लगा, वहां से पद, सरकारी हैसियत, सैन्य उत्तरदायित्व, तो सब चीजें मिलने लगी। तो फर्स्ट सही है कि शुरुआत में माना कि तुर्की सरदारों की प्रमुखता थी, लेकिन उसके बाद में बाकी जो सभी वर्ग उसको भी जोड़ लिया। सेकंड देखो, सेकंड क्या पूछा है मैंने, मुगलों की सेवा में आने वाले वित्तीय अधिकारी मनसबदार थे। तो बच्चे मनसबदार के लिए वित्तीय अधिकारी शब्द का नहीं बल्कि नौकरशाह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो कई बार शब्दों से भी चीजें गलत हो जाती हैं। इसमें कहा जाता है नौकरशाह हुआ करते थे, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, मनसबदार मुगलों की सेवा में आने वाला नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स। सो मैंने आपसे अब अगला पढ़ो, कूट चुनिए, लेकिन कौन सा, गलत कूट चुनिए। सो बच्चे जिनका है ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर एकदम सही है। बताओ जल्दी से किस बच्चे ने बी लगाया था, केवल दूसरा। गलत कूट चुनने को मैंने बोला है ना, सही नहीं, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। तो मनसब सभी बच्चों को समझ में आया, अब आगे अन्य शासकों के साथ अगर हम संबंधों की बात करें तो आप सभी को पता होगा जोधा अकबर की प्रेम कहानी, तो आप सभी को पता है ना। यानी आपको बस इससे ये याद रखना है कि राजपूत शासक एंड बाकी जो उनके शासक थे, उन वर्गों के साथ विवाह संबंधी जो संबंध है वह बनने लगे थे। ठीक है, तो शुरुआत में हम देखें कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध शुरुआत में लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने में आनाकानी की। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता जो है वह स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेक मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उन्होंने उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विद्रोह भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, लेकिन जब वह हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया, उनकी जागीरें लौटा दी। अब देखो एक चीज याद रखो कि शुरुआत में मुगलों ने अगर अपना वर्चस्व या परचम लहराया, उसके पीछे कारण था कि उन्होंने अगर किसी को जीत भी लिया तो उसका अपमान नहीं किया। उन्होंने अगर मान लीजिए कौन हारा था, मेवाड़ के सिसोदिया इनसे हार गए थे, ठीक है, मुगलों से, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया, अपमान नहीं किया, और उनकी जो जागीरें थी वह भी लौटा दी। और ऐसी लौटाई हुई जागीरों को क्या नाम दिया, वतन जागीरी। वतन जागीरी, बहुत ध्यान याद रखिएगा बच्चे, वतन जागीर के रूप में वापस किया, यानी कहीं ना कहीं चलेगी तो किसकी, हमारी ही। ठीक है, तो चलाई तो मुगलों ने अपनी, लेकिन और अच्छे भी बन गए। लेकिन ये जो नीति है ना, ये जो एकदम सहिष्णुता वाली, एक संतुलन वाली नीति है कि हरा भी दो और सामने वाले का अपमान भी ना करो तो उससे शत्रुता नहीं बढ़ेगी, तो जो ये नीति थी इससे मुगलों की जो सर्व स्वीकारता है बच्चे वह बढ़ जाती है। ठीक है, इससे मुगलों की सर्व स्वीकारता बढ़ जाती है। लेकिन जब ये हठीला व्यक्ति आता है, औरंगजेब आता है, तो इस व्यवस्था में परिवर्तन करेगा और जिससे युद्ध में हराएगा उसे अपमानित भी करेगा और उसकी जागीरों को भी छीन लेगा। क्लियर? तो ये संतुलन आगे वाले लोग नहीं रख पाए। मनसब क्या होता है समझा दिया है, बाकी बच्चे इसमें आप सभी पढ़ेंगे मनसब को एक बार। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं जब्त और जमींदारी की, जब्त और जमींदारी की। इसके बाद हम अकबर की नीतियों पर आएंगे, फिर हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। देखो, अगर इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम बनाया कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या था, जो सरदार हुआ करते थे, गांव के जो मुखिया हुआ करते थे, लोग उनके पास जमा करते थे, फिर वह जमा नहीं करते थे, आज वाली व्यवस्था नहीं थी, ये खुद जाके कलेक्ट करते थे। ठीक है, कभी अच्छे से तो कभी गलत तरीके से, तो जमींदार शब्द का इनके लिए प्रयोग किया जाता था। अब देखो, अकबर का राजस्व मंत्री आता है टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री आता है बच्चे टोडरमल, और देखो टोडरमल की व्यवस्थाएं क्या होगी। जब्त और जमींदार की जब हम बात करते हैं, आइए फ्लो चार्ट में बच्चे समझते हैं इस चीज को।
जब्त और जमींदार, ठीक है, जब्त और जमींदार। और इसमें कौन आता है? टोडरमल आता है, जो कि अकबर का राजस्व मंत्री होता है। ठीक है, जब्त और जमींदार की जब हम बात करते हैं, राजस्व व्यवस्था से संबंधित था, और इसमें टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता कौन था अकबर का राजस्व मंत्री था। ठीक है, अकबर का राजस्व मंत्री था। अब ये देखो कि यह क्या क्या कार्य करेगा। तो सबसे फर्स्ट देखो, कृषि की पैदावार का सर्वेक्षण करने के लिए, कृषि जो उपज है, जो पैदावार है, ठीक है, उपज भी पैदावार भी, इसका सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि राजस्व उसी अकॉर्डिंग वसूला जा सके। इसका सर्वेक्षण के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, इसके सर्वेक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त होगा। ठीक है, सेकंड है इसमें कि कीमतों और कृषि का भी सर्वेक्षण किया जाता था कि क्या कीमत है, कैसे कृषि हो रही है, कीमत और कृषि का सर्वेक्षण भी था। ठीक है, फिर ये देखो कि टोडरमल की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में फसल पर नगद कर लिया जाता था। ठीक है, क्या था जो टैक्स है, वह कैसा था? कैश में था, नगद कर था। और इसके बाद देखो, सूबे को मंजलों में, सूबा यानी प्रांत होता था, सूबे को मंजलों में विभक्त किया जाता था। जो प्रांत है उसे और छोटी इकाइयों में बांट दिया, सूबे को क्या कहा? सूबे को मंजलों में विभक्त किया जाता था, बांटा जाता था। और इसके बाद लास्ट है, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग राजस्व था। ठीक है, अलग अलग फसल तो अलग अलग राजस्व, गेहूं पर अलग, चावल पर अलग, अलग अलग फसल और राजस्व भी अलग। राजस्व दर कैसी थी बच्चे? भिन्न थी। ठीक है, तो टोडरमल की ये जो व्यवस्था थी, इसे क्या कहा गया? इस व्यवस्था को कहा गया बच्चे जब्त प्रणाली। तो समटाइम क्वेश्चन आता है कि जब्त प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए, तो सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि व्यवस्था टोडरमल की थी, जो अकबर का राजस्व मंत्री था, और इसने भूमि से राजस्व को कैसे कलेक्ट करना है उसके लिए एक व्यवस्था अपनाई। और उस व्यवस्था में इसने क्या किया? उस व्यवस्था में इसने काफी सारे चेंजेस किए, जैसे कि शुरुआत ही सर्वेक्षण से होती है कि आपने कृषि भूमि का सर्वेक्षण कर लिया, उपज का, पैदावार का सर्वेक्षण कर लिया, नगद कैश, ठीक है, सूबों को मंजिलों में बांटा। ठीक है, अलग अलग फसल पर अलग अलग राजस्व की जो दर है वह इसने निर्धारित की। ठीक है, ये सब चीजें बच्चे आपको याद रखना है, और इस प्रणाली को कहा जाता था जब्त प्रणाली। क्लियर, जब्त प्रणाली। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्या था? अगर अब आया कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व जो व्यवस्था है वह कैसी थी, तो अब लिख लेंगे शायद सभी बच्चे, है ना। चलो अब बच्चे हम आते हैं किस पे? अकबर की नीतियों पर, जो कि मेंस से सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अकबर की नीतियों पर हम आते हैं कि आखिर अकबर ने किस तरह की नीतियां अपनाई, उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। और याद रखना, पीडीएफ में सारी चीजें मौजूद है, जो आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे जो स्क्रीनशॉट के रूप में बच्चे सारा जो मैटर है वह इस पीडीएफ में है। तो ये आपको बस पढ़ लेना है, एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना है, नोट्स बनाना है, हाँ कल क्लास में आने के पहले रिवीजन जरूर करना है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? अकबर की नीतियों की, कि किस तरह से उसने नीतियां निर्धारित की। ठीक है, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए, और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। देखो पहले मैं ये पढ़ के आपको बताती हूँ, फिर देखना हम इससे ही कैसे नोट्स बनाते हैं। तो हाउ टू मेक अ नोट्स, जो आपका एक क्वेश्चन होता है वह भी सॉल्व हो जाएगा। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बचा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाए, जो राजनैतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। अब देखो, जब नोट्स हम बनाते हैं तब हम ये देखते हैं कि आखिर इस टॉपिक में मेन क्या लिखा हुआ है। इसमें यह बताया है
कि जो आईने अकबरी है उससे हमें साम्राज्य का वर्णन पता चलता है और इसमें यह पता चलता है कि सूबेदार को राजनीतिक और सैनिक दोनों तरह के कार्य दिया करते थे। तीन शब्द आपको मिल गए, नेक्स्ट आ जाओ। वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाया। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग था, जैसे कि बख्शी सैनिक, सदर, धार्मिक और धार्मार्थ कार्यों का मंत्री, फौजदार सेनानायक, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। यहां पर बच्चे ट्रिपल स्टार इसलिए क्योंकि ये पूछा गया है कि बख्शी किसे कहा जाता था, दीवान किसे कहा जाता था, सदर का अर्थ क्या होता था, ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च करते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। लेकिन देखो कौटिल्य ने कहा है, मैं कभी आप सभी को सेकंड एआरसी का समरी बच्चे कराऊंगी तो उसमें कौटिल्य कहता है कि जैसे जीवा के अग्रभाग पर, मतलब टिप ऑफ, मैं जीभ की बात कर रही हूं बच्चे, तो टिप ऑफ टंग, जीवा के अग्रभाग पर अगर शहद रखा है या जहर रखा है, मान लो कुछ भी रखा है, उसका स्वाद आप लेंगे ही लेंगे। वैसे ही अगर आप राजा या किसी भी प्रशासन का हिस्सा है तो आप करेंगे नहीं, अपने आप आपसे क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा, है ना। तो जैसे नामुमकिन क्या है, कौटिल्य कहता है कि जैसे नामुमकिन है कि जीवा पर यानी टिप ऑफ टंग पर हनी रखा है और आप उसका स्वाद ना चखे, वैसे ही असंभव क्या है कि आप राजा के साथ हैं, आप कोष के पास है, आपके पास पैसा आपको दिख रहा है जो आपका नहीं है, राजा का है, लेकिन आप उसमें से भ्रष्टाचार ना करें, ये इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। और यही बात यहाँ पर होती है कि किस तरह से जब तक वफादार थे तब तक मुगल शासकों ने काफी तरक्की की, ठीक है, लेकिन जैसे ही मुगल के सेनानायक और बाकी सब लोग वफादार नहीं हुए और वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई कि इन्होंने अपने अपने निजी हित को वरीयता दे दी, ठीक है, निजी हितों को वरीयता देने लगे। अब ऐसे ही मैं आपको पहले समझाती हूं अकबर की नीतियां, अकबर की नीतियां। कल आप सभी बच्चों ने काफी कमेंट्स किए बच्चे, है ना, लगभग, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आपके फीडबैक है बच्चे, मैं देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स देखती नहीं हूँ। चलिए, सो सबसे फर्स्ट देखो अकबर की नीतियों का जो हमें वर्णन मिलता है वह कहाँ से मिलता है, आईने अकबरी, आईना है अकबर का, है ना। आईने अकबरी किसने लिखी, क्वेश्चन पूछा जाता है, आईने अकबरी अबुल फजल। देखो अगर मेरी क्लास डेली करते रहोगे ना तो सारे जो छोटे छोटे से पॉइंट है ना, जो सभी एग्जाम्स में बच्चे आते हैं, वो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो साम्राज्य की नीति थी वह कैसी थी। फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट कि अकबर का जो साम्राज्य नीति थी वह कैसी थी, साम्राज्य की नीति। और इसमें हम देखते हैं कि प्रांतों को काय में बांटा था, प्रांतों को सूबों में बांटा था, ठीक है, प्रांतों को सूबों में बांटा था, सूबे को मंडल में बांटा था। और इन सूबे का होता था सूबेदार, जो आज आप सूबेदार वर्ड सुनते हैं ना, ऐसा ही प्रमोट हो गया, सूबेदार हो गया। तो जो सूबेदार है इसके क्या क्या कार्य थे, राजनैतिक भी थे, ठीक है। जो सूबों का सूबेदार था, सूबों का जो सूबेदार था, दो उत्तरदायित्व थे, एक तो सैनिक, दूसरा राजनैतिक, ठीक है। फर्स्ट साम्राज्य की बात कर ली। सेकंड हम देखते हैं इसमें कि बाकी कुछ अधिकारी भी हुआ करते थे, है ना, बाकी क्या थे बच्चे, अधिकारी वर्ग भी इसके पास अच्छा खासा था जो कार्य करता था। और इस अधिकारी वर्ग में साम्राज्य फर्स्ट हमने देखा, इस अधिकारी वर्ग में फर्स्ट आप याद रखो कि दीवान होता था, ठीक है, दीवान था जो कि क्या था, वित्तीय अधिकारी था। दीवान जो है वह क्या है, वित्तीय अधिकारी है। लेकिन प्रशासन में बाकी अधिकारी भी थे, बाकी जो सूबेदार की हेल्प किया करते थे, कौन कौन से थे, तो देखो बख्शी मतलब सैनिक, बख्शी मतलब क्या था,
सैनिक, सदर मतलब धार्मिक मंत्री, सदर मतलब धार्मिक मंत्री, फौजदार मतलब सेनानायक, फौजदार मतलब सेनानायक, कोतवाल मतलब पुलिस अधिकारी, कोतवाल मतलब पुलिस, सिर्फ पुलिस लिख देती हूं, ठीक है। तो ये सारे लोग हुआ करते थे, अकबर की नीतियों की बात हम कर रहे हैं। तीसरा हमें इसमें देखना है, इसके द्वारा इबादत खाना चलाया गया, ठीक है। अकबर की नीतियों में, अकबर की नीतियों में हमें नेक्स्ट जानना है बच्चे, अकबर के द्वारा क्या किया गया, इबादत खाना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझो। अकबर की जो धार्मिक नीतियां हम कह सकते हैं, और जो ये इबादत खाना था, इसमें क्या किया जाता था, इसमें होती थी धार्मिक चर्चा। इसमें क्या होती थी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अकबर के द्वारा जो इबादत खाना बनाया गया था, इसमें क्या कार्य किया जाता था, ठीक है, क्या इसमें कार्य किया जाता था। तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि इसमें उलेमा, ब्राह्मण, पादरी, जरथुस्ट सभी लोग, ठीक है, उलेमा, उलेमा यानी जो धार्मिक इमाम, जो नेता हुआ करते थे मुस्लिम में, उलेमा, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग और पादरी, यानी ये सब मिलकर, पादरी, जरथुस्त्र, सभी वर्ग मिलकर क्या करते थे, धार्मिक चर्चा करते थे। अकबर कहता था बैठो और धार्मिक चर्चाएं करो। तो ये इबादत खाना क्या थे, धार्मिक चर्चा के केंद्र थे, पूजा पाठ नहीं होता था यहां। तो इससे अकबर की देखो समझ क्या बनती है बच्चे, कि अकबर का, अकबर पर जो सांप्रदायिक होने का दाग नहीं लगता है, अकबर की समझ बनती है इस इबादत खाने से। और वह इस समझ को समझ जाता है, इस बात को वह समझ जाता है कि जो प्रॉब्लम है ना समाज में, एक दूसरे के धर्म को ना स्वीकारने की, ठीक है, जो समाज में प्रॉब्लम है वह क्या है, एक दूसरे को ना समझने की। और इसमें अकबर कहता है, अकबर की समझ बनती है कि मतांधता है, यानी अपने मत के पीछे लोग क्या है, अंधे हैं। और जब तक मतांधता है, जब तक मतांधता है, जब तक अपने मत के पीछे लोग अंधे रहेंगे, तब तक क्या होगा, धार्मिक कट्टरता होगी। और ये धार्मिक कट्टरता प्रजा का विभाजन करती है, ये धार्मिक कट्टरता क्या करती है, प्रजा का विभाजन करती है। तो इसलिए ये कहता है कि ऐसा करो कि प्रजा का विभाजन ना हो, सभी जगह शांति हो, शांति हो। इसलिए ये कहेगा सुलह एक कुल की नीति को लेकर आओ, ये कहेगा कि सुलह एक कुल की नीति को लेकर आओ। और इस सुलह एक कुल की नीति में क्या शामिल था, इसमें शामिल था सर्वत्र शांति, सर्वत्र शांति, न्याय, सहिष्णुता, सर्वत्र शांति, न्याय और सहिष्णुता, टॉलरेट करना, ठीक है। ये अकबर की धार्मिक नीति हो गई। अब नेक्स्ट देखो, अब ऐसे ही अकबर के द्वारा मकतब खानों की भी बच्चे स्थापना की गई। तीन चीजें हमने देख ली, ठीक है, एक तो साम्राज्य हमने देखा फर्स्ट, सेकंड हमने बात की अधिकारी, थर्ड हमने धार्मिक नीतियों की बात की। अब देखो अकबर के द्वारा क्या किया गया, मकतब खाना, इबादत खाना, और ये क्या है, ये मकतब खाना है। और इस मकतब खाने में क्या किया जाता था, ट्रांसलेशन किया जाता था। मकतब खाने को कहा जाता था अनुवाद ब्यूरो, और इसमें बहुत सारे, जैसे महाभारत है, इसका अनुवाद किया गया, ठीक है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या था, रजनामा, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है। जैसे हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वह किस नाम से है,
रज्मनामा, और यही प्रश्न पूछा था कि ये क्या है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो ये अकबर की नीतियां थी, ठीक है, कि उसने किस तरह के कार्य किए। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, देन हम आगे चलते हैं। कुछ चीजों को हाईलाइट कर जल्दी से कर दूं। अकबर की नीतियों में साम्राज्य, अधिकारी, धार्मिक नीतियां, इबादत खाना, सुलह ए कुल की नीति, मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो, ठीक है। और इसके बाद क्या हाईलाइट करना है, सूबा मंजिल याद रखना। हाँ, आईने अकबरी कैसे भूल सकते हो, इसी में तो सारा वर्णन था। दीवान मतलब वित्तीय अधिकारी, बख्शी मतलब सैनिक, सदर मतलब धार्मिक मंत्री, फौजदार मतलब सेनानायक, कोतवाल मतलब पुलिस अधिकारी, ठीक है। उलेमा ब्राह्मण ये सब थे, यानी धार्मिक चर्चाओं का केंद्र था। मतांधता को प्रजा विभाजन का तरीका बताया, और इसलिए उसने कहा कि ऐसा करो, सब शांत हो जाओ, शांति बनाए रखो, और इसलिए सुलह एक कुल की नीति को लेकर आता है। जल्दी से बच्चे एक स्क्रीनशॉट लो, देन हम आगे चलते हैं। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये थी अकबर की नीतियां। सभी को समझ में आया, आप सभी के कमेंट्स बच्चे मैं देख रही हूं। हाँ, धार्मिक ग्रंथों का, शिविका सही कह रहे हैं आप, ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। ब्रजेश, ये जो क्लास है बच्चे, ये एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, और क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य हम कंप्लीट कर रहे हैं। आओ चलो अब चलते हैं थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपसे पूछती हूँ कुछ प्रश्न। प्रश्न के पहले अकबर की नीतियों को हमने जान लिया, ठीक है। 17वीं सदी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य कैसा था, इसे और पढ़ते हैं। 17वीं सदी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर भी विस्मित रह गए। यानी शुरुआत आपको ये समझनी है बच्चे, इस पैराग्राफ से हमें ये समझ में आता है, इस पैराग्राफ को पढ़ने पर हमें ये समझ में आता है कि एक ओर समृद्धि है और एक ओर क्या है, गरीबी है। एक ओर समृद्धि है, देखो ये होता है समझ समझ के पढ़ना। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि ये तरीका है, आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, कीवर्ड्स निकाल लिए कि इसमें सामाजिक विषमता, सोशल डिफरेंसेस क्या थे, उसे समझाया है। तो कहा समृद्धि है, गरीबी है, यानी समाज में मौजूद है विषमताएं, समाज में मौजूद है क्या, विषमताएं। और ये विषमताएं ये भी बताती है कि मान लीजिए कोई 5000 जात का मनसब तय होता है, कोई 400 जात का मनसब तय होता है, तो यहाँ पर सामाजिक जो असमानताएं हैं वे साफ दिखाई देती हैं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था 8000 में से 400 ही थे, कुल मनसबों की छोटी संख्या 5.6% थी। बस ये समझो कि सामाजिक असमानताएं थी, ठीक है, बहुत आंकड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का एक बहुत बड़ा जो भाग है वेतन के रूप में देते थे। मुगल सम्राट इसलिए वेतन के रूप में एक बड़ा भाग देते थे क्योंकि उनकी बड़ी सेना होती थी, और अगर मनसबों की हम बात करें तो मनसब के पास भी तो सैन्य उत्तरदायित्व था, तो अगर उसके पास भी 50 सैनिक है, वह सभी को नियमित वेतन देगा, तो उसका भी पैसा कहां जाएगा, सैलरी में जाएगा, है ना। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तु और फसल की आपूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसानों, शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। देखो वेतन में अगर धन जा रहा है तो आप इन्वेस्ट जो करेंगे बच्चे, उसके लिए काफी कम धन आपके पास बचता है। इसमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश की बात सोच भी नहीं सकते थे। इकोनॉमी का सीधा सा एक रूल है, जब हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे बहुत जल्द शुरू होगा। मैंने आपसे ये भी कहा था बच्चे कि ज्योग्राफी आप मुझसे पढ़ चुके हैं, है ना, ज्योग्राफी, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं थोड़ा
सा रुक के शुरू करूंगी। अभी हिस्ट्री आपका चल रहा है बट बहुत जल्दी एनवायरमेंट, साइंस, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट्स लेकर आऊंगी जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए। ठीक है, सो देखो, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों का समूह, व्यापार और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। अच्छा, बचत का सिद्धांत क्या कहता है? मान लो जब आपकी इनकम ही है बच्चे, आपकी इनकम मान लो एक रुपया है, एक यूनिट आपकी इनकम है, तो आप इसमें से क्या बचाओगे? जब आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है, बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं, अगर आपकी आय कम है तो बचत का स्तर कम होगा। ये सीधी सी बात कहती है, आय कम होगा जब है ही नहीं तो कहां से बचा ले। और अब मान लीजिए आप कमाने लगे 10 यूनिट, अब आपका खर्चा 2 यूनिट था, ठीक है, तो आपको क्या करना है? कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में भी लागू होता है कि अगर आपको सुविधाजनक लाइफ रहना है, आपको चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाए, आप चाहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, अपने खर्चे बढ़ाना, सारी चीजों को बेसिक नीड के साथ साथ आपकी बाकी की जो लैविश लाइफ है वह फुलफिल हो सके, अच्छे से चले, उसके लिए पैसा भी कमाना पड़ता है ना, तो अपनी इनकम बढ़ाओ। इनकम जब बढ़ जाती है, खर्चे उसमें मेंटेन हो जाते हैं, तब बचत होती है। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि पैसा ही नहीं बचता था, कहां से निवेश करेंगे, सोच ही नहीं सकते थे। ठीक है, सोचता इंसान तब है निवेश का जब उसके पास पैसा हो। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। अगर कुलीन वर्ग के हाथों में धन था, क्योंकि अगर ये मनसब नहीं था और कुलीन वर्ग मान लो है, इसके पास सैन्य उत्तरदायित्व था, इसने पैसा बचा लिया। और आगे जाके हम देखेंगे कि जब मुगलों से स्वतंत्र होने का सबसे पहले यही दावा करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ेगी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगेंगे। अब वह कहेंगे, एक सामंत कहेगा कि अब मैं शक्तिशाली हूं, मेरे पास सेना है एंड मेरे पास सैनिक है, पैसा है, तो वैसा करो, आप गद्दी से उतर जाओ, मैं बैठ जाता हूँ। तो ये वाली कहावत लास्ट में फिट बैठने लगती है। और ऐसे ही देखो, हैदराबाद है, अवध जैसे प्रांत है, इस पर अपना नियंत्रण जम गया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, लास्ट में हम लास्ट देख रहे हैं इस चैप्टर का, कि यद्यपि वे जो मान्यता है बच्चे वह देते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी खुद की एक स्वतंत्र और राजनीतिक पहचान बना चुके थे। और इसके बारे में हम आगे समझेंगे। क्लियर है सबको? सभी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। क्लियर हुआ ये चैप्टर? अब मैं आपसे पूछती हूँ, सही जोड़े बनाओ और रिक्त स्थान भरो। ठीक है, सही जोड़े में एक तरफ लिखा है मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहां और सुबेदार, मारवाड़ गवर्नर, उज्बेक, मेवाड़ पद, जहांगीर। सही जोड़े बनाओ। मनसब कहाँ क्या था? मनसब था बच्चे पद। ठीक है, नूरजहां को हम किससे जोड़ेंगे? जहांगीर। मंगोल की बात हम करेंगे, उज्बेकों की शाखा। ठीक है, सूबेदार यानी हम एक गवर्नर का कह सकते हैं। ठीक है, सिसोदिया, मारवाड़ और बाकी मेवाड़। अब ऐसे ही हम आते हैं रिक्त स्थान भरे, बात की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट हो गया है बात की एक्सरसाइज का सॉल्व करना। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी कौन सी? ब्लैंक है बच्चे, आगे क्या था? काबुल, है ना, काबुल किसकी? अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम की राजधानी थी, नाम था उसका काबुल। ना दिख रहा हो कोई इशू नहीं है, फोन में देख लेना। ये पीडीएफ जिस पर मैं वर्क कर रही हूँ, ये आपको एनसीईआरटी विद मंजू मैम में मिलेगा। और आज कल आप सभी बच्चे काफी अच्छे से मैसेजेस में फालतू नहीं कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई मुझे कि आप सिंसियर हैं। एंड बच्चे जो पीडीएफ मिले होमवर्क जरूर करो। ठीक है, दक्कनों की 5 सल्तनत, बरार, खानदेश, अहमदनगर, बाकी दो कौन सी थी? दक्कन की 5 सल्तनत में बीजापुर भी शामिल था, इनके अलावा और गोलकुंडा भी शामिल था, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखें, यदि जात एक मनसबदार का पद, वेतन का घोतक था, तो सवार क्या दिखाता था? सवार दिखाता उसका सैन्य उत्तरदायित्व, सवार दिखाता था कि उसके पास कितना सैनिक है, है ना, सैनिकों की संख्या दिखाता था, सैन्य उत्तरदायित्व दिखाता था। अगला है, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृति और जाति में बने रहने पर समाज पर राज्य कर सका। ये क्या था? सुलह ए कुल। ये क्या था बच्चे?
सुलह ए कुल का विचार गढ़ने में मदद की अबुल फजल ने इसकी। सुलह ए कुल की नीति जिसके अंतर्गत कहा कि एक दूसरे को भैया टॉलरेट करना सीखो। अब आगे देखो, मुगल साम्राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे, ये सारे जो आपके चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज है ना उसके कुछ हिस्से, बस 10 मिनट में आपकी क्लास ऑफ होने वाली है बच्चे। मुगल साम्राज्य के अधीन आने वाले जब हम केंद्रीय प्रांतों की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रांत दो थे, एक तो था दिल्ली, ठीक है, और दूसरा था बच्चे आगरा। मनसब और जागीर में क्या संबंध था, मनसबदार की हम बात करें अगर तो ये हुआ करता था एक पद, और इस पद की हैसियत से आपको भूमि का इलाका दिया जाता था, ठीक है, और यही भूमि का जो इलाका है वह क्या होता था, जागीर कहलाता था। यही भूमि का इलाका जागीर कहलाता था, जागीर से जागीरदार बना, ठीक है। अगला है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी, रेवेन्यू कलेक्ट करो, ये भूमिका थी। शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण थी ये चर्चाएं, और इन्हीं चर्चाओं से इस व्यक्ति को अकबर सम्राट को पता चलता है कि अगर प्रजा विभाजित हो रही है तो प्रजा विभाजन का कारण क्या है, प्रजा विभाजन का कारण है मतांधता, अपने मत को लेकर अंधे हो जाना का कारण क्या बताया इसने, मतांधता। इसलिए इसने कहा, मतांधता बताया, इसलिए इसने कहा कि ऐसा करो, लड़ो झगड़ो मत, एक दूसरे के लिए क्या करो, सहिष्णु रहो, एक दूसरे के लिए न्याय और शांति का भाव रखो, और इसी से नीति आती है किसकी, सुलह ए कुल की नीति, इसी से बच्चे आती है सुलह ए कुल की नीति, ठीक है। तो ये मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया, इसलिए क्योंकि मंगोल की जो स्मृतियां हैं वह जुड़ती हैं चंगेज खान से, चंगेज खान की स्मृतियां जुड़ती हैं एक नरसंहार से, और तैमूर इसलिए वह पसंद नहीं करते थे चंगेज होना, तैमूर होने पर क्यों बल दिया, क्योंकि तैमूर की स्मृति जुड़ती है दिल्ली पर शासन करने से, और वे इस पे गर्व अनुभव करते हैं, दिल्ली पर शासन करने से जुड़ती है और इस पर भी क्या करते बच्चे, गर्व अनुभव करते हैं, क्लियर। आप देखो नेक्स्ट, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहां तक जरूरी थी, बिल्कुल जरूरी थी, साम्राज्य था, सेना थी, सेना भूखे पेट काम नहीं करेगी, घर परिवार होंगे, वेतन चाहिए, सो राजस्व चाहिए, ठीक है। मुगल के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी, इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि समाज में अगर एक वर्चस्व चाहिए, एक सर्व स्वीकारता चाहिए तो सभी वर्गों को, सभी समूहों को अपने साथ मिलाना होगा, ठीक है। इसलिए वह शुरुआत तो करते हैं इनसे, लेकिन बाद में किस तरह से बाकी जो वर्ग थे इन्हें भी मिला लिया, तो इस तरह से हमारा ये जो मुगल है वह कंप्लीट हुआ। अब बताओ किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है क्या, पूछ सकते हैं, क्लास हमारी खत्म होने वाली है। चलिए आइए मैं आपको शुरुआत से एक बार परिचय करा दूं कि आज की क्लास में आखिर हमने जाना क्या, कुछ चीजें बीच में जो रीडिंग करने से रह गई वह भी करा देती हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, देखिए ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन ही आपको पढ़ना है, अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड बहुत सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल है। समटाइम्स क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी एक ही टीचर ने कोई कोर्स पढ़ा दिया, पॉलिटी या कुछ भी पढ़ा दिया, आपको समझ नहीं आया, लेकिन अनअकैडमी पे आपको ये बेनिफिट है बच्चे कि बहुत सारे जो नंबर ऑफ कोर्सेज है काफी सारे अवेलेबल है किसी भी टीचर का, देखो। सो मंजू 101 कोड आपको अप्लाई करना है, बीच में स्पेस नहीं देना है, ठीक है। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इससे, याद रखिएगा जो इस पर इसके सब्सक्रिप्शन के रेट है उससे नहीं परचेज करना है, आपको यूज करना है मेरा कोड। तो आज हम देख रहे हैं आरोहण क्रैक प्लेस में चैप्टर 4 मुगल एम्पायर, ठीक है। तो जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहें ले लीजिए, काफी ज्यादा बेनिफिट है। जैसे बता दूं कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करने के बाद बच्चे यूपीएससी सीएससी आपको ज्वाइन कर रहा है, कोई भी सभी मेरा कोड अप्लाई हो जाएगा, चाहे आप आईआईटी की क्लास को, चाहे आप कैट की, चाहे बैंक एग्जाम की,
फिर आपको करना है गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के बाद फिर प्लान चूज करना है, इसके बाद सीधा गेट सब्सक्राइब मत कर लेना, प्रोसीड टू पेमेंट आता है ना, प्रोसीड टू पेमेंट के पहले थोड़ा सा रुको, रेफरल कोड आता है एक बॉक्स में, उसे फिल करो, तो उसके बाद आपको क्या हो जाएगा 10% का डिस्काउंट का ये रेट आ जाएगा, इसके बाद ही आप चूज करना। क्लियर, क्लियर है सभी को? चलिए, सो कल हमें देखना है शासक और इमारतें, हम देखेंगे कि जो परिवर्तन हो रहे थे, नए राजा राज जा रहे थे, उन सब में क्या चेंजेस हुए शासक और इमारतों में। आज हमने मुगल एम्पायर की बात की, मुगल एम्पायर में शुरू से हमने देखा कि किस तरह से जो मुगल है वह कौन थे, ठीक है, तैमूर थे, या फिर हमने जाना कि ये दो तरह के दो वंशजों से संबंध रखते थे, मंगोल और तैमूर। मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, तैमूर कहलाना पसंद करते थे। मुगल सैन्य अभियानों की हमने बात की कि कब कब इन्होंने किस तरह के सैन्य अभियान चलाए। मुगल काल की प्रमुख घटनाओं में हमने क्रम देखा, बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। और एक जो लिस्ट है बच्चे, ये आपका होमवर्क है, इन्हें याद करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये जो लिस्ट इसमें दी हुई है ना, ये याद करना, ध्यान रखिएगा, इसे याद ही करना है, समझने से काम नहीं चलेगा। फिर हमने उत्तराधिकार जाना, और उत्तराधिकार के लिए सहदायत प्रथा थी, है ना, सहदायत मतलब उत्तराधिकार, जितने भी पुत्र हैं सभी में बराबर बराबर बांट देना, सहदायत था। अन्य शासकों से संबंध कैसे थे उसे भी हमने जाना, मनसब और जागीरदार, ठीक है। फिर हमने जाना जब्त या जमींदार क्या था, यहाँ पर टोडरमल की जब्त प्रणाली की हमने बात की थी, याद है ना, टोडरमल की जब्त प्रणाली की हमने बात की थी। अकबर की नीतियां क्या थी, काफी सारे मेंस के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और देखो लास्ट में हमने देखा कि 17वीं सदी तक कैसे मुगल साम्राज्य था, कि कैसे जब ये कमजोर होते हैं मुगल साम्राज्य, तो कुछ अन्य जो शासक है वे सर उठाने लगते हैं, इसकी भी बच्चे हमने बात की। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट हमने जाना कौन कौन से सैन्य अभियान हुए। संस्थापक था इसका बाबर, ठीक है, बाबर के द्वारा स्थापना की जाती है। एज जब इसकी 12 थी तब फरगाना, 1504 काबुल, 26 में पानीपत किया। बारूद की तकनीक की हमने बात की कि जब 14वीं सदी में इंट्रोड्यूस होती है, 16वीं में इसका यूज बाबर के द्वारा फर्स्ट टाइम पानीपत के युद्ध में किया जाता है। वहीं हमने मुगल के जो सैन्य अभियान पढ़े, ठीक है, हमने जाना था कि सैन्य अभियान का क्रम था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चूंकि ये PDF मैं आप सभी को दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये जो लिस्ट है बच्चे, ये आपको याद करनी है। कल क्लास में आना तो मुझे याद दिलाना, मैं इसमें से पूछूंगी आपसे, ठीक है, इस लिस्ट को क्या करना है, याद करना है, इस लिस्ट को आपको क्या करना है बच्चे, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछूंगी जरूर, ठीक है। कुछ लिस्ट की हमने बात की, हमने देखा एक मैप के अकबर के शासन तक कहां तक फैला हुआ था, मुगलों के साथ संबंध की हमने बात की, ठीक है, मुगलों की जो उत्तराधिकार की परंपरा थी कि किस तरह से मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे और वह क्या करते थे, सहदायत की प्रथा को अपनाते थे, यानी समस्त पुत्रों में क्या किया जाता था, उत्तराधिकार का विभाजन किया जाता था, इसे सहदायत कहा जाता था। क्लियर, फिर हमने मनसबदार और जागीरदार की बात की कि मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह है वह कौन कहलाए बच्चे, मनसबदार कहलाए। शुरुआत में तो सरदार जो तुर्की थे इन्हें ज्यादा चूज किया जाता था, बाद में सभी समूहों को सम्मिलित कर दिया। और हमने यह भी जाना कि मुगलों के द्वारा जो श्रेणी व्यवस्था के जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस पर बात की जिनका आप सभी ने काफी अच्छे से आंसर्स भी किए, ठीक है। फिर हमने जाना कि जब्त और जमींदारी प्रणाली क्या थी, टोडरमल के द्वारा जो अकबर का राजस्व मंत्री था उसके द्वारा किस तरह की जब्त प्रणाली की डिमांड की गई थी कि कृषि उपज पैदावार सर्वेक्षण हो, कीमत और कृषि का सर्वेक्षण हो, नगद कर लिया जाए, सूबों को मंडलों में बांटा जाए, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग राजस्व हो, इन सभी पर भी हमने बात की, ठीक है। अकबर की नीतियों की जानकारी जो है बच्चे वह हमें किससे मिलती है, आईने अकबरी से मिलती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि अकबर का साम्राज्य कैसा था, अधिकारी वर्ग था, ठीक है। अकबर, इससे हमें ये पता चलता है बच्चे कि क्या था, एक अधिकारी वर्ग था, और इस अधिकारी वर्ग में काफी सारे लोग थे, जैसे चलिए
इस अधिकारी वर्ग में क्या था, काफी सारे लोग थे, धार्मिक नीतियां इसने अपनाई, सुलह ए कुल की नीति को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब देखो सुलह ए कुल की नीति के बारे में एक बार मैं जस्ट आपको थोड़ा सा हम रीडिंग करते हैं। अकबर की सुलह ए कुल की नीति उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया, ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्ग और सभी धर्मों के अनुयायी एक ही जगह हैं, इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यानी इसने क्या कहा, समुद्र से कंपैरिजन किया कि जो मुगल साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वह कहां से लग रही हैं, चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई, इतना विशाल साम्राज्य है और अगर विविधता है तो एक दूसरे को टॉलरेट करना सीख जाओ, अच्छे बुरे विचार सभी के लिए जगह है और इसलिए असहिष्णुता का मार्ग जो है वह बंद था। असहिष्णुता का मतलब क्या होता है, टॉलरेट नहीं करना का मतलब क्या होता है कि आपको सामने वाले का जो भी धर्म है, जो भी पंथ है, उसकी जो चीजें आप बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है, एक तरह से विरोध में उसके खड़े हैं। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते हैं, उन्हें सुसंगत तरीके से सार्विक शांति। देखो सुलह ए कुल का मतलब क्या था, सर्वत्र शांति। ठीक है, फिर हमने जाना 17वीं शताब्दी और उसके बाद किस तरह से मुगल साम्राज्य हुआ, कैसे उसका पतन हुआ, फिर हमने इसमें बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, मैच द फॉलोइंग सारी चीजें बच्चे की। तो ये था हमारा आज का मुगल। चलिए तो जल्दी से बताइए, आपको 10% डिस्काउंट के लिए यूज करना है बच्चे मंजू 101 कोड। ठीक है, अब आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं वह मैं थोड़ी देर देख लेती हूँ। किसी को कुछ पूछना है क्या, किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है, आपका कोई कॉमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो वीडियो है बच्चे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर करके जाइएगा क्लास से। ठीक है, सो क्लास का टाइम नाइट में 10 बजे के बाद कर दो मैं, रंजीत बड़ा टफ सा है ये, चलो खैर देखेंगे बाद में, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, दिन में ही क्लासेस होती है मेरी। आप सभी के कोई क्वेश्चन है, क्लास जो है वह कब से चलेगी, तो अभी 7:30 टाइम है, कुछ दिन आपकी क्लास 7:30 से चलेगी और उसके बाद आपका जो टाइम है बच्चे, आप सभी को 12:30 बजे पढ़ने की आदत है, मुझसे कोशिश करेंगे कि दोपहर में 12:30 या 11 बजे का जो टाइम है उसे हम चूज करें। ठीक है, आपके कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलती खुशबू, खुशबू नहीं अंजलि, सारी जो रिकॉर्डेड वीडियो है प्लेलिस्ट में ऐड है, देख लो। आज 13 आपका क्लास है और इस 13 क्लास का आपका जो वीडियो, मेरा जो वीडियो है ये अवेलेबल है। ठीक है, देख लो सर, आप इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। 12th पॉलिटी कब से स्टार्ट करोगी ब्रजेश, जैसे ही हम जब पॉलिटी शुरू करेंगे है ना, तब हम आगे देख लेंगे, सारा पॉलिटी आपका उसी क्रम से चलेगा, शुरुआत करेंगे आगे चलते रहेंगे हम उसमें। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं मनीष, देखो ऐसे कोई ट्रेंड नहीं है कि पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि हिस्ट्री के 10-15 क्वेश्चन ही आएंगे। इस बार जैसे मान लीजिए लगभग 10-11 क्वेश्चन थे, जिसमें 8 और 9 क्वेश्चन सीधे मिडाइवल और एंशियन से पूछे हुए थे, सबको लगता है कि नहीं अब तो मॉडर्न से ही केवल क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते, यूपीएससी का कोई ट्रेंड है ही नहीं, समझे, ये ट्रेंड है इसका। तो चीजें बदलती रहती है, मान लीजिए कभी 25 क्वेश्चन आ गए, इस बार पॉलिटी से काफी क्वेश्चन थे, शायद नंबर ऑफ 21 या 22 क्वेश्चन थे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम केवल 5 या 6 ही आए। इस बार ज्योग्राफी साफ था, ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन आपको नहीं मिलते, जो भी मिले थे 1-2 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के अप्लाइड क्वेश्चन थे, तो इसका कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को देखना है, सारे सब्जेक्ट्स पर बराबर पकड़ बनाकर रखनी है। ठीक है, इकोनॉमी हम कोशिश करेंगे प्रताप सिंह कि जैसे ही हमारा ये हिस्ट्री खत्म होगा या फिर दूसरा जो हम बैच लेकर आ रहे हैं
ठीक है, आफ्टर 15 जैन जैसे ही आपकी दूसरी क्लासेस में लूंगी, यानी एक दिन में आप दो सब्जेक्ट मुझसे पढ़ पाएंगे, तब हम पॉलिटी साथ में शुरू कर सकते हैं, या फिर साइंस एनवायरमेंट यानी जो सब्जेक्ट आप मुझसे पहले पढ़े नहीं है उसे हम शुरू करेंगे। 7:30 रानी, अभी जो टाइम है 7:30 मॉर्निंग है, ठीक है, 7:30 बजे मॉर्निंग में क्लास होती है, तो आप सभी रोज 7:30 बजे आए मॉर्निंग में। अभी कुछ देर मेंस के लिए डेली क्वेश्चंस, ब्रजेश में डेली क्वेश्चंस बताते हूँ, जैसे आज अकबर की नीतियों के बारे में क्वेश्चन है, अकबर की सुलह कुल के बारे में क्वेश्चन है, टोडरमल की जब्त प्रणाली भू राजस्व व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में कब कैसे परिवर्तन आया, कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में प्रश्न है, काफी सारे क्वेश्चन है, इन सभी को लिखो, बीच बीच में बताती रहती हूँ ना, वो सारे क्वेश्चन नोट करते रहा करो। हाँ, रोज क्लास होती है धर्मेंद्र, डेली क्लास होती है आपका, ठीक है, मंडे टू सैटरडे डेली, संडे हम एनसीईआरटी नहीं रखेंगे, रखेगा कभी रहेगा तो कोई स्पेशल सेशन होगा, अदरवाइज मंडे टू सैटरडे क्लासेस एनसीईआरटी की होगी। कीर्ति शुक्रिया, आपका पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा है, चलिए अच्छी बात है कि आपको सारी चीजें समझ में आती हैं। और कोई क्वेश्चन है आप सभी के तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मनीष, सही कह रहे हैं, 23 क्वेश्चंस जो है, देखिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वह इसलिए थोड़े से चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए पॉलिटी का कोई गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आया, किसी इंडेक्स का क्वेश्चन आया, हमने उसे करंट में काउंट कर लिया, किसी ने उसे पॉलिटी में काउंट कर लिया, तो ऐसे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है ना वे आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन हाँ लगभग, इसलिए मैंने कहा कि लगभग जो 20-22 प्रश्न आए हुए थे उसमें से काफी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो बस ऐसे ही होता है कि समटाइम्स किसी सब्जेक्ट का जो वेटेज है ज्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, समटाइम्स कम होते हैं। आंसर राइटिंग बिल्कुल स्टार्ट करो प्रताप सिंह, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है वह मैं डेली आप सभी को देती भी हूं, आज भी 4-5 क्वेश्चन है उन्हें देखो। चलिए सो शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है, और क्लास में 7:30 बजे आ जाओ डेली, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो भी बच्चे अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें कोड यूज कीजिए बच्चे Manju101, ठीक है, ताकि आपको जो 10% का डिस्काउंट है यह मिल सके, तो यूज Manju101 कोड। थैंक यू, एंड कल मिलते हैं अब हम नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।